गलती हो गई। बोले पहला गलती हो गई, मैं सोच रहा था ये समुद्र पानी को मैंने मीठा बना दूं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में एक भाग स्थल और तीन भाग समुद्र है, लेकिन तीन भाग तो समुद्र है लेकिन समुद्र किसका प्यासा नहीं मिटा सकता है। क्यों? समुद्र पानी देखे हो कि नहीं, नमकीन ना मीठा है, खारी है ना, किसकी प्यास नहीं बुझा सकता है। मैं सोच रहा था पूरा समुद्र पानी को मैं मीठा बना दूं, क्यों? अगर मीठा बना देते ना, जो पानी पीता बोलता भैया समुद्र पानी को मीठा किसने बनाया, बोले रावण, बस अपने आप स्वर्ग चले जाता। और दूसरी इच्छा थी स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दे। कभी ये दो काम मेरे लिए कोई बड़ी भारी काम नहीं थी, मैं चुटकी बजाते ही कर सकता था, लेकिन ये सोचा भैया कर ही लूंगा। लेकिन करते करते मेरे प्राण ही छूट गया, मेरी प्राण ही गया छूट गया, इसलिए ये दो काम मैं नहीं कर पाया, लेकिन कर सकता था और कर लेता तो सबका आशीर्वाद मिलता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रावण लक्ष्मण, कोई भी शुभ काम होना उसके लिए देर नहीं करना, कोई भी शुभ काम हो उसके लिए कभी देर नहीं करना। इसलिए कहते ना कल कर सो, बताओ कल कर सो, आज कर, आज करो और आज कर सो अभी। इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब, इसलिए भक्ति के लिए कभी देर नहीं करना। हम कभी कहते ना भैया जब काम निपट जाएगा भक्ति कर लेंगे, बोले भैया दुनिया में किसका काम निपटा कभी, खुद निपट गए लेकिन किसका काम कभी नहीं निपटा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते भैया जितने जल्दी से पारो उतना जल्दी, भले ही दूसरे काम मत करो करो, लेकिन प्रभु का भजन सबसे जल्दी शुरू कर दो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोले जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जितने जल्दी बार प्रभु का भजन कर दो। ठाकुर जिस स्थिति में रखे, बोले जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर प्रभु का भक्ति करोगे और जिस स्थिति में ठाकुर जी रखे हैं, देखो अगर कभी कभी जीवन में भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी कहीं दुख आ जाए ना, आप देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, माला ही पहले छोड़ देंगे। बोले भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हमने भगवान के लिए इतना किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे क्यों किया, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे भजन छोड़ने के लिए पहले बैठे हुए, पहले से ही बैठे हुए, भजन कैसे छूट जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलका, मौसम को न कुटिल खलका। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया, जिसने तुम्हें दुकान मकान घर सब कुछ तुमको दिया, तुम उसको ही भूल कर बैठी गए, उसको ही तुम भूल कर बैठी गए। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं भैया भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन भजन को मत छोड़ो। क्यों? अंतिम समय में भजन भी काम आएगा, ये दुनिया कोई काम में आने वाले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हम कभी कभी दूसरों पर दोष भी लगा देते हैं, तब यहाँ पर देखो एक दो तीन चीज उदाहरण देकर समझा रहा, ये दिमाग में अच्छे तरह से बैठा दो। कभी कभी भजन करने पर जीवन में थोड़ी थोड़ी जब दुख आता है, कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले हम ठाकुर जी का इतना भजन किया भक्ति किया, ठाकुर जी मेरे साथ में ऐसे व्यवहार क्यों करते, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे व्यवहार क्यों करते। देखो एक दो उदाहरण बताता हूँ, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा। बोले दो भाई थे, एक भाई तो बड़ा नास्तिक, भगवान भगवान मानता नहीं बल्कि उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन एक भैया बड़ा आस्तिक को भजन करे। एक दिन दोनों भाई कहीं निमंत्रण में जा रहे थे और जो भजन नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गई। उसने जो भजन नहीं करता था बोले देख लिया तू दिन भर हरी हरी करते हो भजन करते हो, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला।
तेरे को तो कुछ मिला नहीं, मेरे को सोने की मोहर मिल गई। उसने देखा भैया बात सही है, लेकिन जब थोड़ी सी आगे गए ना, जो भक्ति करता था उसको प्यार में लोहे की सीख गड़ गई और खून बहने लग गया, उसको तो और ज्यादा मौका मिल गया। बोले देख लिया तुमने, तुमने देख लिया भजन करते हो तुमको क्या मिला और मेरे को क्या मिला। वो तो दुखी दुखी हो गया। उसने देखा भैया बात सही है, वो तो रोना शुरू कर दिया। बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना भक्ति इतना नाम लेता हूँ दिन भर, तो मेरे साथ में ऐसे करते हो, देखो कैसे बदनामी हमारी कर रही है। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा दुखी मत हो, क्योंकि तुमको पूर्व जन्म की बात बताई नहीं, ध्यान करके सुन लो, इसको क्यों सोने की मोहर और तुमको ये से क्यों हुई। ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में इसको राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन वो मेरे भक्त और मेरे को निंदा करता है, उसका सारे पुण्य खत्म हो गया और केवल मैंने सोने के एक टुकड़ा देकर के उसको छोड़ दिया तुझा। लेकिन तेरी बात सुन, पूर्व जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, लेकिन तू मेरे नाम लेते हो भक्ति करते हो, इसलिए मैंने केवल एक लोहे की सीख गड़वा करके तुमको मैंने छोड़ दिया। बेटा अगर प्रभु का भक्ति करते करते कोई दुख हुआ है, दुखी नहीं होना, समझना हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी, ठाकुर जी थोड़ी सी हमें सजा दे करके छोड़ दिए, ये भावना, ये नहीं सोचना नहीं हमारे साथ में ऐसे क्यों हुई। देखो और एक उदाहरण समझो, इसको अच्छे तरह से दिमाग में बैठा। जैसे गेहूं की खेती जब गांव में होती है, वो एक ड्रम होता है, वो ड्रम का नीचे एक होल होता है, एक छिद्र होता है, ऊपर से तो गेहूं को डाल देते हैं और नीचे से गेहूं निकालते हैं। आपको एक प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न का उत्तर देना आप लोग। जैसे इसी साल गेहूं की खेती हुई, लेकिन दाना बहुत छोटा छोटा हुआ, उसको ऊपर में भी डाल दो। दूसरे साल जब गेहूं की खेती हुई, दाना बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। जब नीचे से गेहूं निकालोगे, आप लोग बताओ पहले कौन सा गेहूं आएगा। जोर से बोलो, कौन बोले हाथ उठा, पहले कौन सा गेहूं आएगा। क्यों, आप तो ऊपर से बड़ा गेहूं डाला ना, वो छोटा गेहूं आएगा, बोलो बोलो। हाँ, यही चीज को दिमाग में बैठा। जैसे कभी कभी भक्ति करते हैं, अगर जीवन में दुख थोड़ी सी आ गए ना, दुखी हो जाते हैं, हमने इतना भजन किया, इतना नाम किया, इतने दान पुण्य किया, ऐसे क्यों हुआ। भैया तुम जो भक्ति कर रहे हो उसका फल मिलेगा तुम्हें, ऊपर से जो गेहूं तुमने डाली ना बड़ी गेहूं वो निकलेगा, लेकिन पहले तुमने जो गेहूं डाला छोटी गेहूं डाली, जब वो छोटी गेहूं खत्म हो जाएगी फिर बड़ा गेहूं भी आएगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन नह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सत्वमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे लिए अगर इतनी सी कोई काम करता है, इतनी सी कोई काम करता है, उसके लिए मैं इतना करता हूं। पहले आपके कथा सुनाया था ना, ठाकुर को सामने नाचने का क्या पुण्य है। देखो और एक बार सुन लो, एक समय कार्तिक का महीना था, एक चूहा ने किसी भक्त ने बांके बिहार के मंदिर में दिया जलाने के लिए दिया, वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने तेल खाने का लोभ से पहुंच गया। जब वो चूहा तेल पी रहा था, उसकी दांत में लग गई बत्ती, इतने पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी ना, वो दिया हो गया तेज और उसको मुंह में थोड़ा आग लग गई। वो चूहा ने दो चार बार छलांग लगा दी। देखो इसका कितने पुण्य है, ये ठाकुर कितने दयालु, देखो कितने दयालु ठाकुर जी। बोले भैया कार्तिक का महीना थी, वो दिया बुझने जा रहा था, चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया और दो चार बार छलांग लगाई, मतलब मेरे सामने उसने नृत्य किया, मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया। इतनी सी फल से अगली जीवन में राजा उसको राजकुमारी रूप में जन्म दिया, राजा के घर में राजकुमारी बनी और उसका हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम रहा, भक्ति रही और भजन करते करते ठाकुर जिसको अपना गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बना लिया। अगर एक चूहा तेल खाने का गया और दो बार छलांग लगा दिया तो ठाकुर ने इतने बड़ा फल दिया। अगर हम प्रेम से भक्ति करें तो उतना ने मारने के लिए गए थे ठाकुर, वैकुंठ दे दिया उसको, गोलोक वृंदावन दे दिया।
इसलिए ब्रह्मा जी कहते भैया अगर भक्ति करते करते अगर थोड़ी कोई दुख आ जाए ना उसमें बिलबिलाना नहीं, भगवान की भक्ति कंटिन्यू करते रहना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे एक बार बोलो सबके सब, कृष्ण हरे हम लोग बोलो, मैं सुनता जोर से, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी स्तुति कर रहे थे, लेकिन ये भगवान तो उनको बड़े ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ठाकुर तो सखाओं को गले में एक हाथ रखकर गले में यहाँ देख रहे थे और हाथ में कमल फूल को लेकर घुमा रहे थे ठाकुर जी। ब्रह्मा स्तुति करते जा रहे हैं और सखा लोग तो ब्रह्मा जी को बोले भैया ये चौमुहा कहाँ से आ गया, ये चौमुहा कहाँ से आ गया, बोले ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, उनको खिली उड़ा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा मैंने ठाकुर को इतनी स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर तब भी खुश नहीं हो रहे। अभी तक तो ठाकुर को स्तुति की, अभी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाल जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों का सौभाग्य हम क्या बताए। बोले क्यों, बोले कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म और ये सनातन कृष्ण है। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम में बसीभूत होकर ठाकुर जी किसकी सखा बन गए, किसकी बेटा बन गए और किसकी प्रियता बन गए। ब्रजवासी कितने भाग्यवान, जब इतना बोले ना ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा दिया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला ये कृष्ण का कमजोर कहाँ था। मतलब क्या सिखा देते हैं, अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो उनको भक्तों को खुश कर दो, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान की निवास है। अगर उनकी भक्त अगर संतुष्ट हो गए ना ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, तेरी महिमा को कोई नहीं गिन सकते। फिर उन्होंने परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी ये कथा इंद्र को सुना रहे। बोले इंद्र मैं भी बड़े बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन भक्तों की कृपा से मेरे को उद्धार के लिए भक्त कृपा से। देखो कृष्ण का नाम गोपाल है जो गैया को प्रभु पालना करते हैं। जाओ तुम सुरभि दाभि की अनुगत्य में जाओ, प्रभु खुश हो जाएंगे। जब अनुगत्य में गए भगवान इंद्र को बड़े डांट लगाए। बोले इंद्र तेरे अंदर में अभिमान आ गया, तेरे अभिमान को मैंने दूर करना चाहता था। खबरदार कभी अभिमान नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना, इसलिए तेरे को अभिमान को उतारने के लिए लीला की। फिर इंद्र ने माफी मांगी, भगवान को सुरभि दाभि के दूध से अभिषेक की और भगवान का एक नया नाम रखा, गोविंद नाम रख दिए। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राम। एक भजन सुन लो दामोदर प्रभु जी, अब आ जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री जनन की यादगार श्री राधा नाम जय। कि सब द्वारन को भारत के नाल ले
जितने और निहार बोलो बरसाने वाली की कोई जगह नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद भगवान की। आप लोगों की जय जयकारा की आवाज बहुत कम आ रही है, इसलिए माइक चली गई। आज लास्ट दिन है, कल से कष्ट नहीं देंगे हम, तो एक बार नौ नौ जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। Yeah.
लोग सब जगह जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, राजस्थान, गुजरात, लेकिन राजस्थान और दिल्ली विल्ली वगैरह में भजन शुरू और नाचना शुरू, लेकिन यहां एटा में कुछ दूसरा देखिए, क्या सब ताली भी नहीं बजाते चुपचाप, पता नहीं क्यों। हम जाके दूसरे जगह बोलेंगे कि एटा में गया था, कोई नहीं नाचा ना ताली बजाया, अच्छा लगेगा आप लोगों को है? इसलिए एक बार खड़े हो जाए हम लोग और फूंक का लगाए, क्योंकि आज लाख दिन है, आज लाखने से पुण्य ज्यादा मिलता है, इसलिए एक बार सब लोग फूंक का लगाएंगे। अरे सभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज जो माध्यम है वो पूरा भर मिलेगा। अभी महाराज जी कह रहे हैं कि वह रात का हाँ सभी लोग Thank you.
जन्म अनमोल रे तू राधे राधे मोहन सब लोग जोर से बोलेंगे एक बार क्या बोलना है और जोर से सभी लोग हाथ उठाएंगे एक बार प्रेम से और प्रेम से बोलेंगे तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णु पाद अच्युत दुर्गाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पूज्यपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित कथा प्रभासु भक्तवृंद महात्म वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथायु गुण दंडवत प्रणाम करता हूँ। छह दिन और आज अंतिम दिवस सातवां दिन है। आज आप सब लोग हरि कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और पिछली साल भी महाराज जी ने बोला था और मैं तो खुद यही कहूँ तो मुझे तो बड़ी खुशी होती जब मैं आया इतने सारे लोगों को मैंने देखा कथा सुनते हुए। तो मैं पिछली बार भी बोला था, फिर से बोल देता हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं कहीं भी, जो लोग बच्चे जो बाहर जाते हैं यहाँ से उनको पता होगा कि जब हम अपने क्षेत्र का नाम लेते हैं तो लोग हमको आसानी से कमरा भी नहीं देते और दोनों जिले का नाम बोल के बोलते हैं एटा मैनपुरी, समझ आ रहा है? और इन लोगों को बोलते हैं उनको पता नहीं था एटा कहाँ है, तो वो मिला के बोलते हैं एटा मैनपुरी। मतलब क्या लोगों के अंदर एक थिंकिंग है कि किस तरह का एरिया है, क्या है, और इस तरह से भक्ति। और आप लोग सोच नहीं सकते जिस भक्ति धारा में आप बैठे हैं वो भक्ति की सर्वोत्तम जो कोई धारा इस जगत में है तो वो है। और इतना शुद्ध नाम, इतनी शुद्ध स्तुति, और आप लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। शहरों में भी इतने लोग आसानी से आते नहीं, तो एक तो अपने लिए ताली बजाओ कि आप लोग इतनी कर रहे हैं, सात दिन से आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि जो कथा है, ये जो भैया हमारे सामने खड़े हैं ये लाइव कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसको यही नहीं कि आप सोच रहे एक काम है, इस समय ये इस टेलीफोन के माध्यम से पूरे विश्व में देखी जा रही है। कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड में। विदेशी लोग भी इसको सुन रहे थे, वो तीन विदेशी आपके बीच में बैठे हैं, तो ऐसे इसको विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, एटा को सब जान गए होंगे कि भाई एटा भी एक क्षेत्र है और बड़ा सुंदर क्षेत्र है, बड़ी भक्ति है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के अंदर जो है ना इसके प्रति भावना बदलेगी। पर भजन क्यों आवश्यक है, भक्ति क्यों आवश्यक है? और अभी हम पीछे कुछ हमारे एक बुजुर्ग अंकल जी बैठे हुए थे, उससे कुछ बात कर रहे थे, तो मैं उनको कुछ बात बोल रहा था। तो कथा तो जगत में सब जगह है, कथा तो जगत में सब जगह है, लेकिन इस कथा का एक मूल उद्देश्य है। जो किसी भी चीज हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं उसके पीछे एक मूल उद्देश्य होता है कि जहां गया है, जो पढ़ाई करने गया है, उसके बारे में पूर्णता जाने, पूर्णता क्या करे, जान जाए, तभी तो नौकरी में सक्सेसफुल होगा। तो इस भागवत कथा का मूल उद्देश्य है अंतिम, अगर पूरी कथा सुनने का कोई फल है, अगर वो आपके हृदय में जागृत नहीं हो रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे श्रवण में या जो कथा कह रहे हैं उनके अंदर उस चीज की क्या है, कमी है। वो बात क्या है, भागवत का मूल उद्देश्य है कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। मतलब भगवान कृष्ण में क्या हो, आपकी मति आपकी रति भगवान कृष्ण में हो जाए और भगवान के नाम में आपकी रति उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कथा सुनने में हमसे कहीं ना कहीं कोई क्या हो गई है, कोई छूट हो गई, कोई गलती हो गई। एक जागतिक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि एक विधान हमारे समाज में प्रचलित है कि ये जो उम्र है ये भजन करने की नहीं है। जैसे यंग बच्चे बैठे हैं, तिलक लगाया है अभी, तो मैं तो सबको बोल रहा हूं, जितने लोग अभी यहां बैठे सब पे आजकल फोन होता है, एक तिलक लगा हुआ अपना फोटो खींचना और एक बिना तिलक का खींचना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपके चेहरे पे अभी बिना मेकअप के बिना सिर्फ तिलक से क्या शोभा आ रही है और ये तिलक हटने के बाद कैसे आप लगेंगे, ये किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। फोटो खींच लेना और एक प्लेन खींचना, आपको दोनों में चेहरे में कितना अंतर है वो नजर आ, एक मात्र तिलक की बात कर रहा हूं जो केवल अभी देखने के लिए ही लगाया है, समझ आ रही है? अभी तो उसकी भावना समझ आएगी तिलक क्या है, क्या वस्तु है। इसलिए भगवान राम को देखो तिलक लगाए, भगवान कृष्ण को देखो तिलक है, भगवान नारायण को देखो, भगवान नारायण का मूर्ति उनको तो आधा मुंह तिलक में भरा हुआ, श्री हनुमान जी को देखो देखना तिलक है, अब कोई भी 33 करोड़ देवता में गणेश जी को देखो तिलक है, ऐसे कोई ठाकुर नहीं जो ठाकुर तिलक नहीं लगाते। इसलिए जैसे आप कोई अच्छे कोई काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए कोई जा रहे हैं, आप देखना आपको तिलक लगा कर भी भेजते हैं, तिलक लगाना मतलब किया, आप जिस काम में जा रहे हो काम तुम्हारे बन जाए,
जैसे कब जब युद्ध में जाते हैं क्या करते हैं, तिलक लगा करके उसको भेजते हैं। बोले क्यों, तुम्हारी विजय प्राप्त हो। अगर आप तिलक लगा कर कोई भी आप काम में जाओगे ना, आपकी जरूर विजय की प्राप्ति होगी, जरूर विजय की प्राप्ति होगी। इसलिए आप कोशिश करना ये तिलक जरूर लगा। ये तिलक साधारण नहीं, ये तिलक साधारण वस्तु मत समझो। देखो ये तिलक कहाँ से आता है, ये द्वारका से आता है। बोले द्वारका में कैसे पहुंच गई, बोले एक दिन भगवान कृष्ण जान बूझ करके उन्होंने एक बुखार लिया। बोले किस लिए, बोले नारद जी ने पूछा प्रभु जगत में सब कहते तेरा भक्त है, सब तेरा भक्त है, लेकिन भक्तों में सबसे बड़े भक्त तेरा कौन है। कृष्ण ने कहा देखो जब समय आएगा ना मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बूझ करके सर दर्द बुखार की लीला की। वसुदेव महाराज डॉक्टर बुलाया, बोले कोई भैया तो चकाचक है, कोई चीज है नहीं, लेकिन कोई तो कोई तबियत खराब नहीं, सर दर्द बुखार गई से। इतने में नारद जी आए, बोले प्रभु तेरा नाम लेते ही सर दर्द बुखार हो जाता है, जी भव सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन तेरे अंदर में बुखार सर दर्द, ये तो बड़ा आश्चर्य बात, आप ही बता सकते हो कैसे सही होगा। बोले देखो नारद, अगर मेरे कोई भक्त हो अपना चरण धूलि दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए, मेरे सर दर्द बुखार होगा। बोले जाओ किससे मांग कर ले आओ। बोले नारद सारा दुनिया कहते तू मेरे परम भक्त हो। बोले हाँ। बोले तू थोड़ा चरण धूलि दे। बोले राम 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 प्रभु तेरे को चरण धूलि तेरे क्या तरह भेजना चाहते हो। बोले यहाँ पर उद्धव सात्वी 16108 पटरानिया उनसे लेकर के आओ। अभी जिनियों के पास में तो एक गाली गाली निकाले सब। बोले तू क्या बोल रहे हो, प्रभु को चरण धूल देख रहे नर्क भजना चाहते हो, कोई नहीं दिया वापस आ गए। बोले क्यों नारद कहीं मिला कि नहीं। बोले प्रभु आप ऐसे एक चीज मंगवाए के बोले गाली मिला, क्या मिलेगा। बोले गाली मिला मेरे को। बोले तुमने सब जगह नहीं गए। बोले गए। बोले वृंदावन गया था। बोले प्रभु के बोले वृंदावन नहीं गया, मैंने सोचा भैया वहां पर तो गुआ लिया कंडा बिनने वाले दधी मंथन करने वाले उनको क्या भक्ति पता। बोले नारद जी अगर मेरे कहीं भक्त है ना असली भक्त वहीं पर है, एक बार जाओ। नारद जी गए, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, हमारे लाला कैसे हमारे कान्हा कैसे। बोले उनका सर दर्द बुखार हम दवा लेने के लिए आए। बोले कौन सा दवा। ठाकुर जी बोले कोई भक्त अगर हमें चरण धूलि दे उसमें मेरी अभिषेकता होगा तो उसी से ही सही होगा। बोले कोई बोरी बोरी लाए हो ना क्या। जितने ब्रजवासी थे ना चरण रगड़ रगड़ करके रगड़ रगड़ करके धूल निकाले और पोटली बांध करके नारद जी को सर पर रख दी। बोले जाओ कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो देख देख कर हैरान, बोले क्या पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, क्या उनको चरण धूलि देकर नरक का रास्ता खाली कर रहे हो। देखो ब्रजवासियों का क्या बोले। बोले नारद जी एक जन्म नहीं, अगर कृष्ण के सुख के लिए अच्छे के लिए अगर हमें करोड़ों जन्म भी नरक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार ही है, लेकिन कृष्ण का दुख हम नहीं दे सकते हैं। भैरव नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो वहीं पर और सारा दुनिया में नकली भक्त है, क्यों इन लोगों ने नरक को बड़ा माना नहीं माना, माना कृष्ण की तबीयत सही हो जाए, दुनिया तो नरक की डर नहीं दिया। इसलिए नारद जी यह धूलि को लेकर कहां गए, द्वारका में गए। और द्वारका कोई कोई गए हो, कौन कौन द्वारका गए हाथ उठाओ। तो जो गए देखे होंगे वहां पर एक गोपी तालाब है, वहां पर एक गोपी तालाब है, ये तिलक वहीं से आता है गोपी तालाब से। इसलिए जहां तहां धूलि नहीं, ये ब्रजवासियों की चरण धूलि है, भगवान की सर दर्द बुखार इससे सही हुआ। हमारे भी संसार में बड़ा सर दर्द है और भव रोग की बीमारी हमें भी लगी हुई, जो व्यक्ति ये तिलक लगाएगा ना उसको किसी तरह सा सर दर्द नहीं होगा, हैं किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। ये एक तरह का रक्षा कवच है, जैसे कर्ण का शरीर में कवच था, जब तक कवच होगा कोई नहीं मार सकते। इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को रोज ये तिलक लगाती थी। देखो ये जो तिलक है इसका नाम केशव देव, उदर में नारायण, बख्खे माधव, कंठे गोविंद, दक्षिण पार्श्व से विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, धराय, ऋषिकेश, दामोदर, पद्मनाभ, हम लोग बारह जगह में ये तिलक लगाते हैं। ये भगवान के बारह नाम है, भगवान तिलक रूप में हमारे शरीर में ठाकुर का निवास हो जाते हैं। अगर ये तिलक लगा कर कहीं जाओगे आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े कहीं एक्सीडेंट है,
लेकिन आप तिलक लगाकर जाओगे एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एक्सीडेंट नहीं होगी। इतने ये तिलक में महत्व नहीं तो ठाकुर क्यों तिलक लगाते, ठीक है ना? इसलिए आप सबके सब तिलक लगाना। कौन कौन लगाए बोलो तो? देखो कुछ माताएं हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं सचमुच से। देखो कोई कोई कहते ना भैया ये तिलक की क्या जरूरत है, ये गले में कंठी की क्या जरूरत है, दुनिया को दिखाना है हम इतना बड़ा भगत है। देखो ध्यान देकर सुनो, कोई कई कहते ना गले में कंठी तिलक लगाकर भगत बनकर घूम रहे हो। भैया भगत नहीं बने क्या चोर बनेंगे फिर, बता दे चोर बनेंगे भगत नहीं बने करके। कोई कोई कहते हैं ना अरे दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है। देखो एक बात समझो, जैसे एक स्त्री साधवा हमें पता कहीं चलता, मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगल सूत्र पहनती है, हाथ में शंखा पहने, वो पता चलता ये माता की साधवा है ना, पता चलता। बोले भैया क्यों, इसको दुनिया को दिखाने का जरूरत है, तुम साधवा है अंदर में पति को रखना, ये मांग क्यों भर रही हो, ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो, शंखा इसको उतार दो ना, अंदर में पति को रखना, दूसरों को दिखाने का क्या जरूरत है, दिखाने का क्या जरूरत, दुनिया क्यों दिखा रहे हो। बोले पति कब बने, शादी से पहले कोई तुम्हारी मतलब थी, अगर बीच में डाइवोर्स हो गया तो गया, और एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना। जब दो दिन की पति के लिए इतने मांग भर लिया है, इसलिए रुक्मणी कहती है ना, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल दूसरो जो चूरन अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। जो तिलक लगाओगे ना कभी भी भगवान अगले जीवन में अपना गोपी रूप में गोलक वृंदावन में स्थान देगी, कभी जो इसी जीवन में तिलक लगाएगी। और जगत का पति छोड़ रहे पकड़ रहे एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से, पकड़ रहे छोड़ रहे पकड़ रहे छोड़ रहे, मांग मिट रही मांग को भर रहे। बोले कब तक ये मांग भरेगी और मिटोगे मिटेगा, बोले जब तक ये तिलक धारण नहीं करते हो। जब एक बार इस जीवन में तिलक लगा लो, अगले जीवन में बांके बिहारी तुम्हारी प्रियतम बन जाएंगे, ये शास्त्र कहता है, ठाकुर जी तुम्हारी प्रियतम बन जाएंगे अगर इसी जीवन में तिलक लगाओ। इतने महिमा, नहीं तो भगवान की राधा रानी गोपियां क्यों तिलक लगाती, तिलक की बड़ी महत्व है, ठीक है ना? इसलिए आप लोग जरूर ये तिलक को, ऐसे नहीं यहाँ पर कथा में आए किसने लगा दिया, नहीं, आप लोग मुझे लगता है पीछे हो सकता है वो बेचते होंगे तिलक को, अब जरूर तिलक ले जाना, ठीक है? रोज ये जो दो है ना, ये ठाकुर का दो चरण है, इसको नीचे की भाग देखो, जैसे ठाकुर जी के चरण में जैसे तुलसी दल देते हैं, उसका सेव देखो तुलसी दल जैसे दिए। अब राम को देखो, कृष्ण को, नारायण को देखो, ठीक तिलक, तिलक नहीं से फोटा लगा दिया, नहीं, अब भगवान की देखो फोटा तिलक नहीं, तिलक नियम है ऊर्ध पुंड्र होनी चाहिए, ऐसे ऊपर होनी चाहिए जैसे कृष्ण राम ने हनुमान जी लगाया, फोटा नहीं, फोटा लगाओगे तो घूमते रहोगे संसार में भटकते रहोगे, इसलिए फोटा नहीं लगाना, तिलक ऊर्ध पुंड्र लगाना। हाँ माताएं, आप तो कोई ऑफिस में जा ही नहीं रही, कहीं तो स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, घर में रह रहे हो, इसलिए घर में लगाने के लिए कोई शर्म नहीं। देखो आप लोग तो बाहर के थे, हरिवल क्या अनुष्ठान था, थ्री क्या अनुष्ठान था। देखो ये विदेश से आए, वो कल बता रहे थे ना कि माता जी अमेरिका से आई है, और ये दो हमारी जो माता जी हैं वो रसिया से आए, ठीक है, मूव टर टर एक अन लुक दिया, उसको देखो, उसको देखा कि ललाट में तिलक है, इंदुमती नोट दिख रहा है कि नहीं, तिलक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, इनकी गले में देखो तुलसी की कंठी है, इनकी गले में देखो तुलसी की कंठी है, हाथ में देखो माला की झोली है, लेकिन ये हमारे भारतीय लोग इसको करने के लिए शर्माते हैं, गले में कंठी पहन लेंगे तिलक लगा लेंगे, हमारे हमारी हमारी बेइज्जत नहीं हो जाएगी, हमारी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी अगर गले में तिलक कंठी लगा देंगे। हम चाहते हैं अमेरिका जाए, विदेश जाए और वहां पर पैसा कमाए, सुखी हो जाए। भैया होता तो ये लाख रुपया खर्च कर भारत में क्यों आ रहे हैं, ये गले में कंठी तिलक माला क्यों लगा रहे हैं? हाँ, अगर शांति सुख, इन लोगों ने वही सुख को ढूंढते ढूंढते सारा दुनिया में भारत में आकर के देखा, भैया ये कंठी तिलक माला कोई साधारण वस्तु नहीं, हमारी पूर्वजों ने जो जो काम करते हुए आए हैं वो सही चीज है, वो सही चीज। अब देखना भारत में, अब पिताजी के पिताजी को देख लो, गले में कंठी पहनते थे,
तिलक लगाते थे, चोटी रखा करते थे, ये हमारी हिंदुओं का पहचान, ये हमारे हिंदुओं का पहचान है। अगर मुसलमान भैया टोपी पहन सकते, दाढ़ी रख सकते हैं, क्या हम चोटी नहीं रख सकते? हम क्या चोटी नहीं रख सकते? इसलिए चोटी धारण करनी चाहिए, ठीक है ना? क्या करना है? तिलक कंठी माला जरूर पहना करो, ठीक है ना? जरूर पहना करो, उसको पहनोगे तो आत्मा को कल्याण होगी, जीवन में शांति और सुख जीवन में मिलेगी, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी। तो तिलक की बात महाराज जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताई, और एक मैं उदाहरण इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में चीजें ना बड़ी प्रचलित है, पर हम उनसे सीख क्या लेते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। तो अधिकतर ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी चोटी रखने से क्या होगा, या इतना बड़ा तिलक लगाने से क्या होगा, कंठी पहनने से क्या होगा। तो एक साधारण रूप में समझा रहा हूँ। एक पिता बहुत सिगरेट पीता है, एक पिता बहुत सिगरेट पीता, बहुत शराब पीता है। वो अपने बच्चे को बार बार कहे कि यह पीना बुरी बात है, बताओ बच्चा मानेगा नहीं मानेगा? नहीं मानेगा ना। वो जान जाएगा कि इसको कोई रस आनंद आ रहा है, तो मैं भी इसको लेकर के ही मानूंगा, इसमें कोई रस आनंद है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पिता को पहले छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ करके जो उससे उसको दोष मिले वो उसको बताने पड़ेंगे कि ये पीने से ये दोष हुआ, मैं इतना परेशान हूं, इसलिए बेटा तुम इसको पीना। तो हो सकता है बच्चा उस बात को मान ले। कल मैं यही अपनी ताई जी के घर गया, तो एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि चीजों को हमको समझना पड़ेगा। जो लोग हमको कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो उस बात को करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते तो हमको उनकी बात कभी माननी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको धोखा दे रहे हैं। तो उदाहरण अपने ही जीवन का देने से बड़ी स्थिति होती है। तो जब मैं उनके पास गया, तो वो 8 साल पहले मेरी शादी में आए थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे तिलक लगाए हुए देखा, चोटी देखी, सब देखी। तो मुझसे उस समय बोली, अरे लला जो तुम्हारे करे में क्यों मन ना, तो हमारे करवे को काम है। समझ आ रहा है? तो समझ में आ रही होगी। तो बोली, लला जो तुम्हारे करवे को काम ना है, तो हमारे करवे की उम्र है। तो मैंने, तुम तो करना रही। तो बोले, कोई बात ना, हम करेंगे। तो कल मैं उनके घर गया वापस, तो शाम को जब मैं उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने फिर देखा, ये तो तिलक और पैंट शर्ट पहन के और ये फिर चोटी रख के फिर आ गया। तो रात को फिर यही बात बोली कि लला यहाँ आओ। तो भीतर कमरा में ले गई अकेले, बड़े बूढ़े होते ना कुछ काम करने में समय, हमारे ताऊ के बेटे बोले, हाँ जा भीतर ले जाओ, अकेले ही बातें करियो जाके संग। तो भीतर कमरे में जाके बोली, लला तो हमारे मुंह पे हाथ रख दो, अब यहाँ तो बड़ा मिला। तो मैंने कहा, ताई मैं क्यों रख दूंगा आपके सिर पे हाथ, कि तुम्हारे को देख के ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है आज मर जाऊं कल मर जाऊं, सांस नहीं आती। तो तुम मेरे सिर पे क्या करो, हाथ रख दो, मेरे मुंह पे हाथ रख दो। तो मैंने कहा, मैं तो नहीं रख सकता, मेरा अधिकार तो नहीं है आपके मुंह पे हाथ रखने का। तो बोली फिर, मैंने कहा, परसों जगन्नाथ जी की मतलब जैसे कल यात्रा है, तो आप आना एक बार, जगन्नाथ जी को रथ पर बैठे हुए देखना, तो इतनी गारंटी तो हो ही जाएगी कि आपको फिर कभी माँ के गर्भ में लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो वो बोली, लला देखो, ये तुम चुटिया भुटिया इतनी बड़ी रखो, जे मत रखो, ये चुटिया इतनी बड़ी रखो, जे मत रखो, तिलक मत लगा। हमने क्यों, कि ये तो बुढ़ापे में करने का काम होता। तो मैंने कहा, आप कर रही हो क्या? आप करने को तैयार हो तो मैं आज ही छोड़ दूंगा। तो बोली, लला तुम्हारे ताऊ कह गए कि जे बच्चा बिटिया ही जही तुम्हारे परिवार है, जही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है, तुम कहूं घर छोड़ के मत जाइयो। तो ये क्या है, वो बात कह रही है जो जीवन में वो खुद कभी नहीं करना चाहती, और हम कर रहे हैं तो हमको भी रोकना चाहते हैं। यानी ऐसा ही हम अपने बच्चों को बोलते हैं। पर सच में भजन नहीं करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, और कुछ भी कर ले। हमारे अनिरुद्ध प्रभु उस कथा को भी कहेंगे, बड़ी उनकी सुंदर एक व्याख्यान है वो चीज का, तो मैं उसको अधिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज मैं अच्छे समझाना चाहता हूँ कि आप जीवन भर कुछ भी कर लो, आप जीवन भर कुछ भी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाओ, किसी की भी जय बोल दो। अब तो दुख का विषय है, पूरे भारत में ही हो गया, तो अभी भगवान के मंदिर कम हो गए, अब ज्यादातर जो कृष्ण और राम मंदिर थे वो या तो साईं मंदिर हो गए या शनि मंदिर हो गए, कलयुग का प्रभाव। तो भगवान को लोग पीछे करके उनको बड़ा बनाते जा रहे हैं, बड़े आसन दे रहे हैं, बड़ी उचित बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं और खुल के कहता हूं हर जगह, कि आप किसी का भी नाम ले लो और पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, कोई भी भाषा बोली जाती हो, लेकिन जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है
जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, जब उसे लोग कंधे पर उठाते हैं, उसे सत्य बात बताते हैं। क्या बताते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, बाकी जो कुछ लिया बेटा सब झूठा था, बेकार था। यानी यहाँ से आगे अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो भगवान राम का नाम जाएगा, भगवान कृष्ण का नाम जाएगा, और तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। उस समय कोई नहीं बोलेगा शिव जी का नाम सत्य है, उस समय कोई नहीं बोलेगा साईं का नाम सत्य है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। तो जो सत्य है, जो आपके साथ जाएगा, उसे आप कितना इकट्ठा कर रहे हो, ये अपने घर पर जाके विचार करो। और लगे हमने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं किया और कुछ साथ लेके जाना चाहते हो, सुई धागा तो साथ जाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये एक नाम ऐसा है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और प्रमाण क्या है? तिलक और कंठी क्यों पहननी चाहिए? तुम्हारा की उस कथा को हर किसी को बोलते हैं, मैं उसको बोल कर विश्राम कर देता हूं कि जब अजामिल उपाख्यान में यमदूत आए और अजामिल को ले जाने लगे, अभी तो वो मरा भी नहीं है, सुन रहा है, उसकी मृत्यु निकट है, यमदूतों को देख करके भयभीत हो गया। और जब यमदूतों को देख करके भयभीत हुआ तो वो मनी मन विचार कर रहा, डर रहा बहुत। लेकिन उसी समय अठास उसके मुंह से नाम से निकला कि बेटा नारायण कहाँ हो आओ। लेकिन वो नारायण नारायण जब कह रहा है तो उसका बेटा तो दुनिया में कोई आता बचाने के लिए, उसका बेटा भी कहां से आएगा। तो भगवान के विष्णु दूत आ गए और वहां पर यमदूतों में और विष्णु दूतों में बड़ी बहस हुई। वो कह रहे ये पापी आत्मा है, वो कह रहे इसने अंत समय भगवान का लिए पुण्य आत्मा है, पर वो भी मरा नहीं है, वो सब कुछ सुन रहा है। उस समय क्या कर रहा है? चर्चा को सुन रहा है। तब उन्होंने विष्णु दूतों ने बड़ी पिटाई की, किसकी? यमदूतों की, और उनको भगा दिया। तो वो यमराज के पास गए और उन्होंने बिल्कुल अपनी नौकरी से मना कर दी कि महाराज आपने तो कहा पापियों को लेके आना, लेकिन हमें कैसे पापी को लेना, हमारी बड़ी पिटाई हुई तो नौकरी हमको नहीं करनी। तो यमराज बोले तुमको कैसे पता लगा पापी है? तो बोले बताया अंत समय नाम लिया और वो भी अपने बेटे का लिया, पर वो विष्णु दूत। बोले मारा किसने? बोले चार भुजाधारी विष्णु दूत आए थे। तब उन्होंने कहा देखो भगवान के भक्त की पहचान, किसके पास जाना है और किसको लेने के लिए नहीं जाना, भले ही उससे कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, पाप भी हो जाए, पर अगर ये तीन चीजें किसी के पास दो बोले उसके पास कभी भटकना भी मत, उसके पास मत जाना। चाहे वो जीवन में क्या किया है इसका फैसला भगवान करेंगे, हम करने के अधिकारी नहीं। बोले तीन चीज क्या है? बोले जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले में कंठी हो, या जिसके गले में जिसके हाथ में जबकि माला हो, ऐसे व्यक्ति के पास कभी जीवन में भटकना मत। तो जिसने तिलक लगाया है, जो कंठी पहनेगा और जो हरि नाम करेगा, उस पर एक गारंटी तो पक्की है प्रभु, तो वो उसको कभी यमदूत लेने के लिए आएंगे नहीं। ये यमराज ने उनको बताया अपने दूतों को। तो भाई अपने राजा की बात तो सब मानते हैं, तो तुम्हारे पास एक गारंटी तो पक्की है, हरि नाम करोगे, तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे, दुनिया का कोई दान कोई पुण्य तुमको यमदूतों से मुख दर्शन करने से भले ही ना बचा पाए, लेकिन भगवान का ये नाम, ये कंठी, ये तिलक तुमको जरूर बचाएगी। इसलिए जरूर कंठी पहनो, जरूर भगवान का नाम करो, इसी से जरूर हम सबका क्या होगा? कल्याण होगा। वांछा कल्प तरुण बस कृपा सिंधु भयचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ब्लेसिंग वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो बच्चा है ना आपका इधर का है, ये एटा की है, अभी तो ये नौकरी कर रहे हैं नोएडा में, गजेंद्र कहाँ इसलिए तो नौकरी कर रहे हैं, कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इसी क्षेत्र का ही पास में इनका घर है, इसलिए आपका बच्चा आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर भगवान की भक्ति करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। देखो कुछ कुछ बच्चों को हम खड़े कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के अंदर में उत्साह है। देखो ये जो बच्चा है ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है और बहुत अच्छी नौकरी करता है, इसका तनख्वाह लाख रुपया इसकी तनख्वाह है। लेकिन ऐसे नहीं, जो भगवान की भक्ति करते कोई काम धाम नहीं करते, ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, अपना नौकरी भी करते हैं और अपना पिता माता को आदर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको साथ साथ में भी भगवान की ये बच्चे भक्ति करते हैं। देखो आपको पता होगा इसी उम्र के बच्चा अभी क्या क्या करता होगा, आपको पता होगा, लेकिन देखो संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी। ये बच्चे लोग अपना नौकरी चाकरी करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे धोती पहनी कहीं चादर डाल कर रखे, ये संतों का संग करने से ये पूरा सब जीवन बदल जाती है।
और कोई गंदगी का कोई ऐब नहीं है, कोई यहाँ तक सिगरेट पान भीड़, यहाँ तंबाकू गुटका फुटका, और यहाँ तक भी चाय के बच्चे लोग नहीं पीते हैं, और अपना नौकरी करते हैं, अपना भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। थोड़ी सी आपको अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द सभी पर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मंचासीन परमारक्तम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में मैं अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अश्वदशरथ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम और उनकी कृपा वांछा करता हूँ। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रवण करने के लिए आए भक्तवृंद सभी के चरणों में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव ने आदेश दिया है कुछ हरिकथा बोलने के लिए। आप लोग पिछले 6 दिनों से यहाँ पर भागवत कथा सुन रहे हो। देखो यहाँ जानने की जरूरत है कि क्यों हम लोग को जो है भागवत और हमारे जो शास्त्र हैं इनकी बातों को सुनना चाहिए। हमारे जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं ऐसा नहीं है कि किसी ने मनगढ़ंत बात आई और उसको लिख दिया है, ऐसी ही बात नहीं है। इन पर जो है पूर्ण विश्वास हमको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट इन लोग जो बातें डिस्कवर कर रहे हैं वो हमारे शास्त्र में पहले से ही है। ये जो शास्त्र है ना ये साक्षात वेदव्यास जी हैं, भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने ही ये सारे शास्त्र का निरूपण किया है। तो इसके अंदर की एक एक बात जो है वो सत्य है। अब क्या है यहाँ सोचने वाली बात है, लोग क्या है प्रभु जी बता रहे थे ना देवी देवताओं के विषय में और ये सारी बातें, आप सोचोगे कि जैसे मेरे मन में भी एक बार प्रश्न आता था तो मैं पूछ रहा था कि और जो क्रिश्चियन और अल्लाह और ये सारे जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ एक चीज अच्छी है कि बस अल्लाह है, एक ही भगवान है, क्रिश्चियन में जीसस है, एक ही लॉर्ड है, तो ठीक है इनको फॉलो करना तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि किसको माने किसको ना माने। इसके विषय में जब मैंने संशय किसी हमारे प्रभु जी से किया तो उत्तर देते हुए बता रहे थे कि देखो लोग भी तो अलग अलग हैं। वहां पर क्या है आप देखोगे जैसे हमारे हिंदुइज्म में लोग ज्यादा नास्तिक नहीं होते, क्यों? क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए काफी सारी फिलोसफीज मिल जाती है। जैसे कोई जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स है उनकी एक फिलोसफी है, अगर आप उसमें सेटल होते हो उसको आपको जमता है तो फॉलो करो, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? नास्तिक हो जाओगे। लेकिन क्योंकि यहाँ भारतवर्ष आप लोग देखोगे लोगों का सबका अपना अपना स्वभाव है, तो इस वजह से कुछ लोग राजसिक होते हैं, कुछ लोग तामसिक होते हैं, कुछ लोग सात्विक होते हैं। उसी के हिसाब से हमारे शास्त्र हैं और उसी के हिसाब से जो है सबको अलग अलग देवी देवताओं की और इन सबकी पूजा बताई गई है। सभी के मन में जो ये प्रश्न आता होगा, लोग सोचते हैं कि हम भैया कृष्ण की पूजा क्यों करें, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, इस चीज के तो काफी सारे प्रमाण हैं। लेकिन क्या होता है लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते करते और जो है अंततः भगवान कृष्ण तक ही पहुंचते हैं। इसी वजह से हमारे इतने सारे शास्त्र हैं। लेकिन इतने सारे शास्त्रों में भी जो है श्रीमद् भागवतम ये सर्वश्रेष्ठ है। इतने सारे शास्त्रों की जब रचना हुई थी, जैसे ये वर्णन आता है शास्त्र में कि इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद में भी जो वेदव्यास थे उनको शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली क्यों? उनके मन में बहुत ही ऐसे जब परेशान थे कि क्यों मुझे शांति नहीं मिली, तब उनके उन्होंने गुरु जी से जिज्ञासा करी तो तब उसका निवारण करते हुए उन्होंने बोला कि आपने जो है अलग अलग शास्त्र में अलग अलग चीज का बखान किया है और जो सर्वश्रेष्ठ चीज है भगवान कृष्ण की भक्ति है उसके विषय में कुछ बताया नहीं, इस वजह से आप जो है ये भागवतम की उन्होंने रचना करी। तो भागवतम का आपने जो देखो महाराज जी जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना आपने सुना होगा, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहित अवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। अर्थात ये संसार क्या है? ये समुद्र है, अथा समुद्र है, इसके अंदर जो अगर आप डूब रहे हो आप तो आप इसका पार नहीं पा सकते। लेकिन क्या है भागवतम ही है वो क्या है एक सेतु के समान है। पुल देखा है ना आपने, जैसे कोई बड़ा सा नदी है आप अगर तैर के क्रॉस करोगे बीच में थक जाओ, हो सकता है डूब जाओ, लेकिन अगर उसके ऊपर पुल बन जाए तो आप आसानी से उसको पार कर लोगे।
ठीक है। तो ये भव सागर को पार करना है, इस हमको ऐसा तो नहीं कि बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम ये करना है, ये चीज नहीं है। हम लोग बार बार मरने और जीने के लिए नहीं आए, हम लोग को, हम एक जीवात्मा है, हम भगवान के अंश हैं, हम ये आत्मा है, तो हम लोग को इस भव सागर से पार होना है। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, ये सारी है हमारे शास्त्र में बताई गई, इसलिए इसको मनगढ़ंत ना समझकर इस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें कथा सुननी चाहिए। तो ये शास्त्र है, इन्हीं के अंदर देखो भागवत में एक चीज वर्णन आती है, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम जन्मम अनित्यम अर्थदम तो न मतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निश्चय से विषय खलु सर्वतस्य। इसमें बता रहे हैं कि ये जो आपको मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म क्या है, सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं है, सुदुर्लभ बताया गया, अर्थात बहुत ही प्रीशियस है। ऐसा नहीं कि आपको साधारण मिल गया ऐसे ही, कितनी सारी योनियों में आप भटके हो उसके बाद में इस जीवात्मा को क्या मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है। और ये क्या है, अनित्य है, कब चला जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए क्या करो, अनित्य है तो क्या करो, आप अर्थ का संग्रह करो, कौन सा अर्थ, परमार्थ का, ठीक है। भगवान जैसे हम यहाँ पर कोई भी चीज हमको खरीदनी होती है, मेरे को किसी सब्जी लेनी है, उसको पैसा देना पड़ेगा विनिमय में, वो पैसा वो अर्थ है हमारे लिए। आपको जो है कि ऐसे ही अगर भगवान तक जाना है, भगवान के लिए क्या, आपको परमार्थ इकट्ठा करना पड़ेगा, अर्थात भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसमें यही बता रहे हैं कि ये अनित्य है, इस वजह से क्या करो, आप जो है इसको लाभ करो, इसका फायदा उठाओ। फायदा कैसे उठा सकते हो, कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके भगवान के भजन में लगो। क्यों, क्योंकि जानवरों की भांति जो विषय भोग कर रहे हो वो तो हर जन्म में आपके लिए रिजर्व है, हर जन्म में। आप देखो हमारे परम गुरु जो है ना, बड़ा सुंदर एक इस पे कथा सुनाते थे, बड़ा एक उदाहरण देते थे, बोलते थे कि एक बार एक जज जो है कहीं जा रहा था, एक कोर्ट का जज है वो जा रहा था तो उससे जो है कुत्ता आकर बोलता है, बोले कि हमारे कुत्तों में ना एक सभा हो रही है, आप आकर वहां पर सभापति बन जाओ। बोले कुत्तों की सभा हो रही, मैंने इतना डिग्री किया, LLB की सब कुछ पढ़ा, और मेरे को कुत्तों की सभा में जज, मुझे सभापति बनना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो है वहां कुत्ता बताता है कि हम तो कुत्ते हैं, हमारे अंदर कुत्तों के गुण हैं, लेकिन आप जो हो, आपके अंदर जो है और भी कई जानवर के गुण हैं, ठीक है। वहां ऊंट आता है, ऊंट भी उसको बोलता है कि आप जो है हमारे सभापति बन जाओ। ऐसे जो है ना गुरुदेव परम गुरु जी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि चार जानवरों से हमारी तुलना की गई है, कुत्ते से, गधे से, ऊंट से, ठीक है, ऐसे करके तो वर्णन करते हुए बताते हैं। देखो कुत्ते के क्यों हमारी तुलना कुत्ते से क्यों कर रखी है, क्योंकि जैसे आप देखोगे कुत्ते में क्या होता है, कहीं पर जैसे हड्डी दिखी ना, देखेगा आसपास कोई है तो नहीं, कोई होगा नहीं, उस हड्डी को पकड़ लेगा और कोने में जाकर उस हड्डी को बहुत चबाएगा, बहुत उसमें से रस लेने की कोशिश करेगा। हड्डी के ऊपर कुछ मांस मांस लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसको चबाएगा, चबाते चबाते क्या होता है, उसके खुद के गालों में खून आने लगता है, उसी खून का वो रस लेता है और सोचता है कि कितना बढ़िया है। ऊंट को आपने देखा होगा, ऊंट जो है साधारण ऐसे कोई पत्ते वगैरह नहीं खाएगा, वो देखेगा कांटे कहाँ पर है, कांटे जाएगा और कांटे खाएगा, कांटे खाने से क्या होता है, उसका उतना खून आ जाता है, उसी खून को ही वो स्वाद लेता है। तो इस तरह से बताया गया है कि ये जो विषय है, ये विषय इसी समान है, हम जो है हमारा इस विषय को भोग करके हम सोच रहे हैं कि हमको आनंद मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है देखो पशुओं के अंदर जो चार कार्य बताए गए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम लोग को भी वही कार्य करके अगर ये मनुष्य जीवन वेस्ट कर दिया तो इससे सब कोई लाभ नहीं, फिर उसके बाद में ये मिलेगा नहीं। एक बार देखो एक कथा सुनाता हूँ मैं, आप सुनना समझना इस बात को। एक बार क्या होता है, एक गरीब आदमी होता है, उसके कोयले का काम होता है, कोयले का काम होता है उसका, तो वो क्या करता है, लकड़ी जलाता है, कोयला बनाता है और कोयला बेचता है। उधर से क्या होता है, उस देश का राजा जा रहा होता है, उसको उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति देखकर उसको उस पर बहुत तरस आता है। तो राजा बोलता है कि तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे को बहुत ही दया आ रही है, तुम एक काम करो, ये ना यहाँ से लेकर और इतना दूर तक बहुत ही बड़ा उसका खेत होता है, चंदन का खेत होता है, चंदन की लकड़ी देखी ना आपने कितनी महंगी होती है, तो उसका चंदन का खेत होता है, बोलता है तुम यहाँ से लेकर वहां तक जो ये पूरा खेत देख रहे हो, ये खेत आज से तुम्हारा है, इस खेत के तुम मालिक हो, ठीक है, अपनी दरिद्रता को तुम इससे दूर कर सकते हो। ये सुनकर तो क्या करता है, वो कोयला बनाने वाला जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को जो है चंदन का पूरा खेत मिल गया। कुछ समय बाद में जो है वो राजा वहीं से निकलता है, राजा देखते हैं वो अभी वैसे का वैसे गरीब है, उससे पूछा कि मैंने तुमको पूरा इतना बड़ा खेत दे दिया और फिर भी तुम अभी के वैसे गरीब हो, ऐसा कैसे। बोले कि क्या करूं मैं वैसे ही गरीब हूँ। बोले मैंने तुमने ये चंदन का जो खेत दिया उसका क्या करते हो। वो उसने क्या कहा बताया,
उसने बताया कि मैं जो है ये चंदन की लकड़ियों काटता हूँ, इसका कोयला बनाता हूँ और इस कोयले को बेच देता हूँ। ये ही हमारी मूर्खता है, हमारी भी ऐसी ही मूर्खता है। ये जो है भगवान ने हमको ये चंदन का पूरा खेत दे रखा है, ये किस लिए दिया है? इस भवसागर को पार करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम किस में लगे हुए हैं? हम सोने में, खाने में, हम विषय भोग करने में, संतान उत्पत्ति करने में, घर बनाने में, अच्छा बिजनेस करने में। ऐसा नहीं है, इनको विषय को छोड़ो। देखो मैं दिल्ली से आया हूँ, सच सच बताता हूँ, हमारे ऑफिस में आजकल क्या है, पाश्चात्य देशी का ये जो वेस्टर्न कल्चर है, लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, और सैटरडे संडे जो है शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, यही कल्चर हो गया है आजकल। जो लोग जैसे जो बताया ना, जिसमें मांस नहीं है वो वाली हड्डी जो वेस्टर्न लोगों ने छोड़ दी है, जो प्रभु जी ये दीदी इन लोग हमारे लोग आए हुए हैं, ये लोग वहीं से आए हैं, इनका यही कल्चर था, इसको छोड़ के और इन लोग यहाँ आए हैं। तो फॉर श्योर एक चीज तो है कि यहाँ उस चीज से ज्यादा बेनिफिट है, ये चीज आपको समझना चाहिए। तो जो चूज चूज के वो चीज छोड़ चुके हैं, जो नेग्लेक्ट करी हुई चीज है, उस चीज को हम लोग आजकल ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आजकल के किड्स जो बच्चे लोग हैं, सब लोग स्मार्टफोन में लगे रहेंगे, सब लोग ऐसा देख में देखा होगा, कोई हम लोग के शास्त्र को एकदम जो है काल्पनिक मानते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करना है, इस चीज को एकदम बंद करके हमारे शास्त्रों पर पूरा विश्वास रखते हुए ये मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, इस चीज का लाभ करना है। ठीक है, इस चीज का लाभ कैसे करना है? सद्गुरुपद आश्रय करके, गुरुपद आश्रय से ही जो है हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो हम लोग को यही करना है। महाराज जी यहाँ बड़ी कृपा से आप लोग के, आप लोग का बहुत बहुत सौभाग्य है कि भगवान के ऐसे निज जन जो है वो यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपनी करुणा जो है ऐसे ही बांट रहे हैं। तो दिमाग वाला जो बुद्धि मेधा बुद्धि होगा, जो बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, वो यही चीज करेगा, वो जो है इस चीज का फायदा उठाएगा, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ही देगा और इसको ग्रैब करके और जो है अपना मनुष्य जीवन सार्थक करेगा। यही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोग बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ देखो, और एक बच्चे को हमने खड़े कर दिया। ये जो बच्चा ये भी कंप्यूटर इंजीनियर है, वो दोनों दोस्त हैं, दोनों ही दोस्त हैं, इसी दोनों इकट्ठे रहते हैं और भजन करते हैं। इनकी भी अच्छी नौकरी है और अच्छी खासी घर के हैं और बढ़िया तनखा मिलता है, लेकिन ये भी भक्ति करते हैं। देखो तभी थोड़ा आप कथा सुनाएंगे। देखो इसीलिए मैं इन बच्चों को खड़े करता हूँ। कुछ कुछ लोग सोचते हैं, अरे ये तो भजन से बाबा लोग होगा है, हमारा थोड़ी भजन काम थोड़ी है। इसलिए बच्चे को खड़े करता हूँ, आप भी ये चीज़ को सीखो, आपका बच्चों को भी ऐसे बनाओ। अगर बच्चे आपका ऐसे बनेंगे ना, पहले तो पिता माता के लाभ होगा, घर में झगड़ा नहीं करेगा, बच्चा बात सुनेगा, सवेरे उठ करके आपकी चरण छुएगा, और जब वृद्ध हो जाओगे ना, बच्चे भी तुम्हारी सेवा भी ये बच्चे करेंगे। इसलिए ये बच्चों को खड़े करता हूँ। देखो ये प्रभु जी आपको भी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं नित्य लीला अष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरिकथा सुनाने के लिए,
अभी थोड़ी देर पहले एक प्रभु जी कथा बोल रहे थे दामोदर प्रभु, वो बता रहे थे कि कैसे जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको अर्थी में राम नाम सत्य बोलते हुए जाता है। सबने देखा है ना ये चीज, तो सबने अपने जीवन में कभी ये चीज देखा होगा, लोग दूर से हाथ भी जोड़ते। एक बार ऐसा ही हुआ भारत की ही बात है, एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा बेटा था, 5-6 साल के बच्चे होते ना, थोड़ी थोड़ी बात पे प्रश्न पूछते कि ये क्या होता है, चिड़िया क्या होती है, कौवा क्या होता है। तो एक बार एक अर्थी जा रही थी ऐसे करके, उसमें सब लोग बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, खूब जोर जोर से बोलते बोलते ले जा रहे थे। तो वो बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, बोले पिताजी ये क्या जा रहा है। तो बोले बेटा ये जो है ये अर्थी जा रही है। बोला पिताजी अर्थी का क्या मतलब होता है। बोला कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो उसको अर्थी पे लिटा करके फिर ऐसे ले जाकर फिर उसको जला देते, उसका अंतिम संस्कार कर देते जिससे उसकी थोड़ी सदगति हो जाए। बोला अच्छा। बोला पिताजी फिर ये सब बोल क्या रहे, राम नाम सत्य ये क्या बोल रहे। बोले बेटा ये लोग कह रहे हैं कि जगत में ना सब झूठा है, हाँ जगत में सब झूठा है और राम नाम ही सत्य है। देखो बेटे ने कितनी बड़ा प्रश्न जो है पिताजी को पूछा। बोला पिताजी ये जो व्यक्ति मर गया क्या ये सुन सकता है, क्या देख सकता है। बोला नहीं बेटा, जो मर जाता है ना वो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, वो तो मर गया। मर गया मतलब खत्म, कहानी खत्म। बोला पिताजी जब ये व्यक्ति मर गया है तो ये इसको क्यों सुना रहे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य। तो देखो वो जो पिताजी थे, उस बेटे का जो पिताजी थे, उसके एकदम से ज्ञान हो गया कि ये जो राम नाम सत्य बात है ये धरती पे पड़े व्यक्ति के लिए नहीं, ये हमारे लिए है कि देखो ये हम भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, हमें भी ऐसे ही ले जाया जाएगा, लेकिन साथ में केवल क्या जाने वाला है, राम नाम, सिर्फ भगवान का एक नाम जाने वाला है। हरे कृष्णा। देखो जिस समय वो अर्थी ले जा रहे थे, वो बच्चा ने प्रश्न किया, बोले पिताजी सबके सब राम नाम सत्य गोपाल नाम का सत्य कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थी को अगर जो लेटा हुआ ये क्यों नहीं कर रहा है। पिताजी ने कहा बेटा जी ये तो मर गया ना, ये मर गया इसलिए नहीं बोल पा रहा है। बोले पिताजी इसका मतलब है जो मर जाता है वही केवल राम का नाम सत्य नहीं बोल पाता। बोले हाँ बेटा। बोले इसका मतलब जो नहीं बोलता है वो कौन है, मर गया। जो नहीं बोलता है वो कौन है, बोलो हरे कृष्ण। मरा हुआ व्यक्ति तभी वो व्यक्ति नहीं बोलता है। इसलिए पिताजी ने कहा भैया ये बात सही बता रहा, इसलिए भगवान के नाम हमें लेनी चाहिए। इसलिए जब गुरु जी बोलते हैं ना कि हाथ उठा के हरे कृष्णा बोलो तो जोर से बोला करो, वरना ऐसा लगता है कि मर गए। अब देखो अभी बता रहे थे कि ये जो भगवान का भजन है, ये जो क्रिया है, ये मूर्ख लोगों के लिए नहीं है। साधारण व्यक्ति किसी भी भाग्य से इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। देखो अभी दुनिया में कहीं भी जाओगे ना, अब तो जमाना इतना बदल गया है, सब साइंस बोलते हैं कि अब तो साइंस चलता है, ये सारी बातें रामायण भागवत ये सब झूठी हो चुकी, कब की साइंटिस्ट लोगों ने सब फेल कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने सब फेल कर दिया। देखो अब एक कहानी सुना तो ध्यान से सुनो। एक बार अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर एक बहुत बड़ी साइंटिस्टों की सभा हुई, ये एक रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट। वो साइंटिस्टों की जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो उन्होंने हेड बनाया वो उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था आइंस्टीन, उनको बनाया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पीड मोमेंटम का जो रिलेशन है उसको बता करके दुनिया में नाम कमाया था। आइंस्टीन उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो आइंस्टीन को उस सभा का हेड बना करके बुलाया। ठीक है, आप सभी बच्चों को अपनी कथा सुनाना, सभी माताजी और सभी जो पिताजी बैठे कथा बच्चों को सुनाना। वो सोचते हैं कि साइंस जो है वो बड़ा है और ये सब कुछ नहीं होता भगवान और, उनको ये बात सुनाना। बोलो भगवान कुछ नहीं होता। देखो तो जब वो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर जब आइंस्टीन को जब उसका हेड बनाया तो आइंस्टीन जो थे एक दिन पहले वहां पर पहुंच गए और बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर जो आइंस्टीन ने एक दिन फैला कर क्या करा, एक बहुत सुंदर एक अर्थ का मॉडल बनाया, जैसे ग्लोब है, जैसे ग्लोब होता है ना, एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में पहाड़ बनाए, झरने बनाए, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगाए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चिड़िया भी लगा दी। और उस जो मॉडल बनाया था ना उसको गेट पर रख दिया, जैसे ये पांडा ने तो उधर आगे गेट पर रख दिया। अब अगले दिन मीटिंग थी तो धीरे धीरे लोग आने चालू हो गए। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे दुनिया से उस मीटिंग में, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, पूरी दुनिया से वहां पर आ रहे। तो सारे साइंटिस्ट जब गेट से अंदर घुसते तो देखते कि बड़ा सुंदर एक मॉडल रखा हुआ है।
तो सब बोलते कि कितना सुंदर है, किसने बनाया, कितना सुंदर है, इसमें झरना लगाया, पेड़ लगाया, बड़ा सुंदर लग रहा है। और सब आके कहाँ बैठ गए, अंदर हॉल में। लेकिन सबने ये बात बोली कि बड़ा ही सुंदर है जो भी ये मॉडल रखा है, ये बड़ा ही सुंदर है। तो जब सब लोग अंदर आकर के बैठ गए, जैसे आप लोग बैठ गए, जब सब सारे के सारे, और जो मीटिंग थी ना उसका विषय बताऊं क्या था, जो मीटिंग हुई थी साइंटिस्टों की, तो सारे साइंटिस्ट मिलके ये बताना चाहते थे कि भगवान है कि नहीं है, उसका परामर्श करने आए थे कि भगवान है कि नहीं है। साइंस तो क्या बोलता नहीं। जब सारे साइंटिस्ट बैठ गए, जब आइंस्टीन का नंबर आया तो आइंस्टीन ने एक बात को बोला। आइंस्टीन ने बोला कि देखो, आप लोग बहस कर रहे हो कि भगवान है कि नहीं, आप जब आ रहे थे तो आपने देखा कि एक बहुत सुंदर एक मॉडल रखा हुआ है, और आप सब बोले कि कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर पेड़ लगाया, क्या झरना लगाया, कितना सुंदर लग रहा है। बोले ये मॉडल को कल रात में मैंने बनाया था, ये मॉडल कल रात में मैंने बनाया था। अब जब ये मॉडल को मैंने बनाया, जबकि इतना सुंदर भी नहीं है, नकली है, लेकिन आप कह रहे हो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अब सोचो कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, सूर्य टाइम से उगता है, चांद टाइम से उगता है, मॉनसून टाइम से आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु, सारी ऋतुएं टाइम से आती है। बोला ये जरूर किसी ने बनाया ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये छोटी सी क्रिएशन, इफ देयर इज अ क्रिएशन क्रिएटर मस्ट बी देयर, इफ देयर इज नो क्रिएटर क्रिएशन कैन नॉट बी देयर, विदाउट क्रिएटर क्रिएशन हो ही नहीं सकती, कैसे होगी। जब तक कोई बनाएगा नहीं, जब तक बन ही नहीं सकता, एक साधारण सा ग्लोब नहीं बन सकता, तो ये दुनिया कैसे बन जाएगी। हाँ, क्योंकि एक थ्योरी साइंस की ये भी कहती कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई, ये भी एक थ्योरी साइंस की कहती है। इसलिए हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बात बता रहे कि ये बनाने वाला कोई ना कोई है, ये कोई साधारण बात एक व्यक्ति नहीं कह रहा था, वो कौन कह रहा था, आइंस्टाइन। आइंस्टीन कह रहा था, उस समय का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट वो थे, आज तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। और जो आइंस्टीन थे, मैं एक बार IIT दिल्ली के अंदर सेमिनार अटेंड करने गया था, वहां पे PC जोशी करके प्रोफेसर है आइंस्टीन में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर है। हाँ, वो इस बात को बता रहे थे कि जब आइंस्टीन रिसर्च करते थे तो भारत के दो साइंटिस्ट उनकी मदद करते थे, और वो भारतीय संस्कृति से और भारतीय विज्ञान से बड़े प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे आइंस्टीन। और वो इस बात पर रिसर्च करना चाहते थे कि कैसे जो एक आदमी एक क्षण में यहाँ, तो एक क्षण में दूसरे लोग पर लोग दूसरी जगह पे भी हो सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका इंटेंशन, इसका मोटिव ही यही था कि इस चीज को सिद्ध करना, इस चीज को खोज के निकालना कि समय की गति से भी तेज आदमी चल पाए। भारत के ऋषि मुनि करके दिखाते थे, कई बार आप कथा सुनी होगी कि ऋषि जो वहां चले गए, बनारस मुनि को देखो, कभी यहाँ प्रकट हो गए, कभी वहां प्रकट हो गए, सुना है ना सबने। ये बहुत बड़ा साइंस है, ये विमान, ये जो उड़ने वाली टेक्नोलॉजी है, ये लोगों के दिमाग में तो कब 1900 के अंदर एरोप्लेन बना, लेकिन भारतीयों के अंदर ये दिमाग में पहले से ही था कि रावण जो है सीता को उठाकर विमान में ले गया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, हमारी संस्कृति बहुत ही गहरी है, भारतीय संस्कृति इतनी महान है, और उसके अंदर भजन और ये सब भक्ति तो छोड़ो, अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। आप में से कितने लोग बच्चे या कोई स्कूल में है, हाथ उठाओ, जो लोग पढ़ाई करते हैं साइंस में, कभी टेंथ में मैथ्स पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा, देखो आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा, कोई 11वीं में, कोई 12वीं में, आप सब ने देखो मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, यहाँ तक कि इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्राइसिस, डिटरमिनेंट्स, यहाँ तक कि लिमिट्स, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ये सारे के सारे वेदों के अंदर है। मैं आपको निकाल करके दे सकता हूँ, यजुर्वेद के अंदर है। ये भारतीय विज्ञान बहुत महान है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको 16 फॉर्मूले में मिलेगा, ओनली इन 16 फॉर्मूला, केवल 16 फॉर्मूले, लेकिन ये अंग्रेजों ने आकर के जो भारतीय ज्ञान था उसको छुपा करके, और ये हमारा 1 1 2 2 2 4 6 6 ये देकर के चले गए। अब करते रहो गणित गुणा भाग। अभी देखो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, दुनिया की सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने वाली, ऐसे 90 अक्षर लिख दो, ऐसे 100 अक्षर लिख दो, और अगली लाइन में उनका गुणा करके दे देगी, कोई कर सकता है, महिला भारत की अरुंधति नाम है। और वो बताती है कि मैं वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके इस कैलकुलेशन को करती हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करती हूँ। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, हमारी चीज हमसे छुड़वा दी, क्यों, क्योंकि जब तक उनका माल हटेगा नहीं, जब तक हमारा माल बिकेगा कैसे, इसीलिए उस चीज को हटा दिया। इसलिए ये जो गुरु जी, ये जो आ के जो संत बताते हैं,
देखने से तो लगता है कि क्या सुनी सुनाई बात को बार 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 बताते रहते हैं, बताते सुन सुन के हम तो पक गए, हमारे बाल भी पक गए और हम भी पक गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये जब तक बताएंगे जब तक हम सच सच समझ नहीं जाए। ये देखो क्रिश्चियनिटी इस्लाम सब लोग बोलते हैं कि शरीर है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर को गाड़ दो फिर जब समय आएगा तो मुर्दे खड़े हो जाएंगे और हम जन्नत चले जाएंगे। भारतीय संस्कृति चालू ही आत्मा से होती कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, इतनी महान संस्कृति है, लेकिन हमारा इसमें विश्वास होता ही नहीं, इसमें विश्वास होता ही नहीं। कभी किसी का विश्वास हो भी जाए कि चलो भगवान है तो लोग बोलते हैं अरे भगवान तो बड़े शक्तिमान होते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान होते हैं, फिर भगवान को क्यों आते हैं अवतार लेने, क्यों कृष्ण आते हैं, भगवान तो क्या चुटकी बजाई और सारा काम हो जाए, क्या अवतार लेने की जरूरत है। आपके मन में किसके मन में प्रश्न नहीं आता ऐसा, अरे भगवान तो शक्तिमान है, एक बार ऐसे सोचा ऐसे हाथ हिलाया तो सारी दुनिया धरती उधर हो जाती तो ये काम नहीं हो सकता, क्यों रावण को मारने के लिए राम आते, क्यों कंस को मारने के लिए कृष्ण ये सब आते नहीं, कितना अच्छा प्रश्न है। देखो अब मैं एक कथा सुना तो ध्यान से इस कथा को सुनो, एक राजा और एक उसका सेनापति, अभी के लोग समझ लेते अकबर और बीरबल, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनो, अकबर और बीरबल की कथा में सुना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या भगवान, बोला कि देखो हमारे तो भगवान जो है ना वो इतने शक्तिमान है, ये अकबर बोलता है कि तुम मुसलमान है, अकबर बोलता है हमारा भगवान तो बड़े शक्तिमान है, कुछ आते वाते अवतार अवतार लेते नहीं है, वह ऐसे काम हो जाते हैं। बोलो तुम्हारे में कभी राम आते हैं कभी कृष्ण आते हैं कभी बामन कभी नरसिंह, कौन कौन भगवान आते हैं है? बोलो भगवान क्यों आते हैं, भगवान तो शक्तिमान है, तुम कहते हो भाई भगवान शक्तिमान है तो एक इशारे में सारा काम हो जाना चाहिए, क्यों आते हैं। तो देखो बीरबल तो चतुर है, बहुत चतुर है, आप सबने कथा सुनी है ना, बीरबल बहुत चतुर है। उसने बोला इसका जवाब मैं ना आपको कल दूंगा, इसका जवाब कल दूंगा। अब कल जब सुबेरे हुई तो बीरबल बोला बोला राजा चलो चलो नदी के बीच में एक चीज दिखानी है, बोला एक नाव ले लो कुछ सैनिक ले लो और नदी के बीच में चलो। उन्होंने चार सैनिक ले ली, राजा हो गया बीरबल हो गया और अकबर का एक छोटा बेटा, बोला इसको भी ले लो घुमा लाते, अकबर का छोटा बेटा ले लिया राजा का बेटा उसको भी ले लिया साथ में। अब सारे के सारे नाव में जाने लगे, जब नाव जाते जाते जब बीच नदी में आ गई तो बीरबल ने क्या करा उसके बेटे को उठा कर, अकबर का जो बेटा था ना उसको उठा करके नदी में फेंक दिया, क्या करा नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। जैसे ही नदी में फेंका तो जो अकबर तो राजा था उसने अपने कवच अवच जो पहन रखा था उस समय कवच पहनते थे, उसने सारा का सारा कवच उतारा तुरंत कूदा नदी में और अपने बेटे को निकाल करके लाया और अपने सैनिकों को बोला कि रख दो इसके गर्दन पे तलवार, और उन्होंने सबने बीरबल की गर्दन पे तलवार रख दी। बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पानी में फेंकने की, तो बीरबल बोलता बोला राजा राजा मेरे को गुस्सा मत करो, मैं तो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा था। बोला प्रश्न का जवाब दे रहा था दुष्ट, ऐसे कोई प्रश्न का जवाब देता है। तब बीरबल ने बोला राजा मैं भी आपका एक मंत्री हूँ, ये आपके चार चार सैनिक थे, आप किसी को भी बोल सकते थे कि नदी में कूदो और अपने बेटे को निकलवा सकते थे, लेकिन आप खुद ही क्यों कूदे, आप खुद कूदे ना, क्यों, क्योंकि ये आपका बेटा है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, कि हे अर्जुन जितने भी जीव है ये मेरे बेटे हैं, इन सबको लेने के लिए मैं स्वयं ही आता हूँ। परित्राणाय साधु ना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए कृष्ण स्वयं आते हैं। अभी तो गुरुदेव थोड़ी देर पहले बता रहे थे जो राजा को भगवान रंक कर सकते हैं और रंक को राजा कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये काम कर सकता वही भगवान है, कोई दाढ़ी रख के आ गया बड़ी जटा करके वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान केवल राम और कृष्ण है। और ये जो वस्तु ये जो समझने की वस्तु ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए है, ये ऐसे एरो गेरो के लिए ये बात नहीं है रामायण भागवत की, भाई जिसको कोई काम नहीं सुनो जाकर के रामायण सुन लो जाकर के भागवत सुन लो, इसमें गहरे गहरे विषय छुपे हुए। देखो तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर कितनी बात की, कितनी सुंदर बात की भगवान की महिमा, कि भगवान क्या कर सकते हैं, मसकहि करै बिरंचि प्रभु, मसकहि करै बिरंचि प्रभु अजहि बिरंच सेहीन। बोले कि मसकहि मतलब मच्छर, मच्छर को भगवान क्या बना सकते, ब्रह्मा। मसकहि करी बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, वो ब्रह्मा को एक क्षण में मच्छर से भी नीच बना सकते, कि ब्रह्मा भगवान इतने शक्तिशाली है। इसलिए बोला अस तजि संशय तज कर राम ही भज ही प्रवीण, राम का भजन करते प्रवीण, प्रवीण मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है,
कितना सुंदर, बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति इस काम को कर नहीं सकता। अब बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कितनी सारी माताएं बैठी हैं, कितनी सारी माताएं प्रभु सब बैठे हैं। फिर आप सबसे यही निवेदन है कि जो अपने बच्चे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये रामायण की भागवत की बात खुद पढ़ करके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनमें संस्कार देना चाहिए। सिर्फ राम मंदिर बना देने से राम राज्य नहीं आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? सिर्फ राम मंदिर बनने से राम राज्य आने वाला नहीं। मोदी भी राम राज्य को नहीं ला सकता, कोई राम राज्य को नहीं ला सकता जब तक बच्चे लवकुश जैसे नहीं होंगे, जब तक स्त्रियों का चरित्र सीता जैसा नहीं होगा, जब तक भाई भाई का प्रेम भरत राम जैसा नहीं होगा, हाँ, जब तक राम राज्य आने वाला ही नहीं, आ ही नहीं सकता। कितने लोगों को लगता है कि राम राज्य ऐसे ही आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। हमें संस्कार देना ही पड़ेगा। और वो ही माता माता है, वो ही पिता पिता है, वो ही बंधु बंधु है, हाँ, वो ही गुरु गुरु है जो उनके आश्रित लोगों को भगवान के भजन में लगाए। हमारे गुरुवर्गो की, हमारे जो पूरे परंपरा है, जो महाप्रभु की जो परंपरा, उसके अंदर यही बात सब तरफ चल रही है। बोले सगुरु सपिता चापी सबांधवो पी माता च शिक्षये चेत सदा स्मर्तुं हरे नामेव केवलम्। वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही बंधु बंधु है जो हमेशा यही शिक्षा देता है कि सदैव हरि नाम करो, क्योंकि ये जीवन का भरोसा नहीं। बोले निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या हरे नामेव केवलम। बोले निश्वासो नहीं विश्वासे, बोला ये जो सांस गई अगली आएगी कि नहीं आएगी इसका कितने लोग गारंटी लेते हैं? निश्वास से नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, ये कब रुक जाएगी किसी को नहीं पता। इसलिए क्या बोला, कीर्तनीय में तो सदा स्मार्ट हो, हमेशा भगवान को याद करो, कीर्तन क्या करो, हरे नामे केवलम। और ये हरि नाम की महिमा कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हमारा जो भारत का भक्ति मूवमेंट 1450 से लेकर 1550 के बीच में जितने भी संत आए सबने क्या बोला, भगवान का कीर्तन करो। देखो एक की बात तो मान ही लेना, ठीक है। अभी तुलसीदास जी ने क्या बोला, कलयुग केवल नाम धारा, तुलसीदास जी बोले, ठीक है। मीरा भाई क्या बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा बोली, नानक जी क्या बोलते हैं, भय नाशन दुर्मति हरना कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे सफल हो भई सब काम। महाप्रभु क्या बोले, कलि काल नाम रूपे कृष्ण अवतारा नाम सुमीरे सुमीरे नर उतर ही पारा नाम बिना कलि काल नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म क्या है, भगवान का नाम, नाम। इसलिए गुरुजी आ करके आप सभी के बीच में जगह जगह गुरुजी जा करके यही सोचते हैं, गुरुजी के मन की यही इच्छा है कि हमारे घर में भी जैसे तैसे हम लोग भजन करने लग जाए, ठाकुर की सेवा करने लग जाए, ठाकुर को भोग लगाने लग जाए, तुलसी की पूजा करने लग जाए, यही चाहते हैं। आप में से कितने लोगों के मन में भावना आती कि हम इस बात को करें, कृपया हाथ उठा करके बताएं। देखो अगर कितने लोगों के मन में भावना आएगी ना, तो राम राज्य तो समझो आ ही गया, अरे वो आ ही गया। ये भावना आने की बहुत बड़ी बात है। देखो मीरा ने सच में ये बात बोली है कि घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आलिंगन लागे वृंदावन नी को। मीरा जी सबको आशीर्वाद भी देती है और ये बात को मांगती भी है कि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा और दर्शन गोविंद जी को।
तो क्या एक दिन ऐसा समय दुनिया में आएगा जो देखो पीछे फोटो महाप्रभु सब लोग हाथ उठा करके सारी दुनिया में एक दिन हरी बोल बोलते बोलते सारी दुनिया में हम लोग घूमे। क्या कभी ये दिन आएगा? जरूर एक दिन ये दिन आएगा, महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर ली। तो आप सभी मुझ पर भी आशीर्वाद करो कि कभी हमारी भी गुरु जी के शब्दों में गुरु जी की वाणी में कभी श्रद्धा हो और हम भी कभी भजन कर पाए और कभी हमारा जीवन भी सफल हो। गौर प्रेमानंदे हरी हरी को लक्ष्मी प्रताप हरी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। हम लोग कौन कौन चाहते हैं आपका बेटा ऐसे बने? हाथ उठाओ। तो कौन कौन चाहते तुम्हारे बेटे भी ऐसे नौकरी करे, पैसा कमाए हैं और भगवान की कथा सुने और कथा सुनाए और जीवन में प्रभु का भक्ति करे? अब चाहते हो? कौन कौन चाहते हो? सब चाहते हो। हाँ, अगर घर घर में ऐसे बच्चे हो ना, तुम्हारी बोल रहे थे ना, पूरा विश्व ब्रह्मांड राम राज्य बन जाएगा। क्यों? घर घर में ठाकुर का भजन कीर्तन होगा। लेकिन आप लोगों को पता अभी बच्चे किधर जा रहे हैं? आपको सबको पता होगा हमारे बच्चे अभी कौन सा लाइन में जाते हैं। इसलिए हमारी यही इच्छा है आपका हर बच्चा ऐसे बने और प्रभु की भक्ति करे और घर आपकी भगवान की धाम बन जाए, ठीक है ना। इसलिए कल आपको हमने एक पर्चा दिया था, आप लोगों ने लिया था वो पर्चे को? लाए हो कि नहीं कि घर में छोड़ करके आ गए हो? हाँ, उसके अंदर में अपना पता लिख देना, फोन नंबर रख देना उसमें, और बच्चे का बर्थडे हो, तुम्हारी बच्चे का बर्थडे, नहीं तो शादी की साल अग्रह, उसको सब लिख कर दे देना होगा। तो उसको हम एकत्रित करके फिर कभी कभी तुम्हारे घर में भी आएंगे और तुम्हारे घर में भगवान का कीर्तन करेंगे, आपका बच्चों का वेद मंत्र पढ़ करके बच्चों का आशीर्वाद देंगे। घर में डिस्को डांस नहीं, घर में शराब नहीं पिलाना, घर में मांस नहीं खिलाना, घर में हरी कीर्तन। जिसे बच्चे अच्छे संस्कार बने और उनको भगवान की कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी भक्तन की बात सुनाएंगे, ठीक है ना। अगर चाहते हो अपना घर भगवान के धाम बने, जरूर आपका जो पेपर दिया है आप उसमें नाम लिख करके वहां पर जमा देना। और जिन लोगों ने पेपर नहीं लिया, आज पेपर में अपना नाम पता लिख करके देना, हम बीच बीच में आप लोग को बुलाएंगे और घर में हरि कीर्तन करेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हाँ देखो, अभी कथा की समाप्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने कथा 7 दिन तक कथा हम लोगों ने सुनी है। नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ छूट दो। बोले भैया दे दिया और ले दिया, बोले जितने गंदी चीज को दे दो और ले दिया, बोले भगवान की भक्ति लो, भगवान की प्रेम को यहाँ से लो, और गंदी चीज को दो और भगवान की प्रेम को यहाँ से लो। बोले भैया गंदी चीज क्या? बोले चार चीज गंदी चीज भागवत में बताया। पहले आपको मैंने सुनाया था जिसको कलिजुग की चार जगह पर स्थान है। इसलिए अगर कलिजुग में चार ही नियम को पालन कर ले, थोड़ी सी ठाकुर का हरिनाम ले, बात इसी से ही हमारी उधार, इससे हमारी कल्याण हो जाएगी। बोले भैया चार चीज को क्या चीज है? बोले पहला नंबर है धूतम। हमें जीवन में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म स्वरूप, उन्होंने अपना जीवन में शिक्षा दिया, देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन हमने ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो। पहले राज्य गया, फिर भाई लोग गए, फिर बाद में द्रौपदी को भी इन्होंने जुआ में लगा दी, उनको भी हार गए, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा, उसको बाद में 12 साल तक जंगल में भटकते रहे और 1 साल हमें अज्ञातवास विराट राज्य में मनाना पड़ा। इसलिए अगर जो जुआ खेलेगा ना, ये जो शेयर कंपनी, ये भी एक तरह का जुआ है। हाँ, एक तरह का ये जुआ है। इसलिए खबरदार, कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसको खेलने से धर्म का पहला चरण जो सत्य है, वो सत्य हमारी नष्ट हो जाएगी। बोले दूसरी चीज, बोले पानम।
पर पानम मतलब किसी तरह का नस्ली वस्तु का हमें नहीं लेनी चाहिए, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। गुटखा भी गंदी चीज है। जिसने ये गुटखा की कंपनी खोला ना, वो स्वयं कैंसर में मरा, खुद तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया। इसलिए ये चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब लोग बताओ तो गुटखा का पहला अक्षर क्या है? बोलो गुटखा का पहला अक्षर क्या, जोर से बोलो। गू। ये गुटखा नहीं है, गू है। इसलिए हमें गुटखा नहीं खानी चाहिए, इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर हो जाती है। और शराब नहीं पीनी चाहिए, मैंने पहले बताया था, जो शराब पीते हैं उनका तीन लाभ है। क्या लाभ है? पहला नंबर, वो बूढ़ा नहीं बनेगा। तीसरा नंबर, घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या? पहला नंबर, बूढ़ा नहीं होगा। बोले जिंदा हो तभी तो बूढ़ा होगा, वो तो पी पा कर के आधा उम्र में ही राम नाम सत्य हो जाएगा, बूढ़ा कहां से बनेगा। दूसरा नंबर है, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो पी पा करके, अगर कोई सोना चांदी होगा बेच बाच करके वो पी पा कर खत्म कर देगा, बोले चोरी किस चीज हुई। बोले तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या? कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह धोकर। इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। हमारे ये प्रभु जी कहाँ है? फोन में ना माधव प्रेम को फोन कर लो, प्रभु जी आ जाए नंबर उसमें उसमें। इसलिए ये नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। देखो मैंने और एक बात बताया था, ये चाय भी अच्छी चीज नहीं है। बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें जो एक निकोटीन और उसमें कफीन डालते हैं, उसके नस्ली वस्तु है। ये विदेशी लोग हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, ध्यान देकर सुनो, ये विदेशी लोग हमें अपना गुलाम बनाने के लिए भारत में आए, सोचे हमारी बिजनेस से कैसे चल जाए। पहले बिना पैसा नहीं, स्वयं चाय बनाते थे। बोले जो एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हमने सोचा एक रुपया भरे एक कप चाय भर पिए, कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, फिर पिए, बोले 50 पैसा, उस समय बड़ा कीमती थी, बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले दो, बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा। बोले कभी फ्री में मिल रही है, लेकिन उसमें निकोटीन कफीन डाला हुआ। जैसे शराब पियो, शराब पीने का समय आए अब मत पियो, देखना शरीर में बेचैन सी आने लग जाती है। जब तक नहीं पिएगा उसको चैन नहीं पड़ेगी। आप लोग जो चाय लेते हो, आप देखना चाय पीने का समय आ जाए, अगर आप चाय मत पियो कैसे लगता है? बोलो क्या होता है? आप लोग बोलो, सर दुखने शुरू हो जाता है ना, सर दर्द करता, क्यों? उसमें निकोटीन और कफीन डाला हुआ है, वो जहर उसके अंदर में, उसमें जहर है। फिर बोले देखो अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, अभी तुम्हें 25 पैसा देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 50 पैसा देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 1 रुपया देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 2 रुपया देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 5 रुपया देना पड़ेगा। लो। अब एक कप चाय कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। हमें ठग लिए इन लोगों ने, और इतनी सी चाय हमें पिला करके वो 10 रुपया लेते हैं, और 10 रुपया में पूरा 1 ग्लास दूध मिलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे उठ करके एक कप चाय पी लो, कोई चिंता नहीं। बताओ इतनी सी चाय से कहीं पेट भरती है? हमने चाय नहीं पिया, जहर हमने पिया है, बीस हमने पी करके अपना भूख को हमने खत्म कर दिया। इसलिए भैया दूध पियो, दही खाओ, रोटी सब्जी खाओ, 10 रुपया में पेट भर जाएगा, फिर ये गंदी चीज क्यों पिएगी? कोशिश करना जैसे रामदेव बाग हर्बल टी, गोकुल टी, इसको पियो, इसमें हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन हम क्या करते, खुद तो अपना स्वभाव बिगड़ा, बच्चों को भी पिला दिया, बच्चों को भी नशा डाल दिया। इसलिए कोशिश करो खुद भी ये चीज को छोड़ने के लिए, और बच्चों को भी ये चीज को छुड़ाने के लिए कोशिश करो धीरे धीरे। ठीक है ना? अब समझ रहे कि नहीं हिंदी? कोशिश करना धीरे धीरे छोड़ने के लिए, ठीक है? एक ही जीवन में नशा हो, प्रभु की प्रेम की नशा, प्रभु की भक्ति की नशा हो, और कोई नशा नहीं होनी चाहिए।
इसमें तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा नंबर बोले स्त्रीय, बोले ये कली कहां पर स्थान, बोले स्त्रीय में, बोले कौन सा स्त्रीय में, बोले अवैध रूप में स्त्री जो पुरुष का संग, पुरुष जो स्त्री संग करते हैं, ये यहाँ पर कली है। संसार करो शादी शुदा करके पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी करो, अवैध रूप में लड़कियां लड़के लड़के लड़कियों से नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर कली का स्थान है जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं। शास्त्र एकदम इस चीज को अस्वीकार करता है, ये एकदम गंदी चीज है। संसार शादी शुदा करके संसार करनी चाहिए, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है ये जीव हिंसा, बोले जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कोई कोई अभी अंडा खाने लगते हैं। देखो जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, जब गांधार की 100 बेटे मारे गए, उसने कृष्ण को पास में गए, बोले प्रभु हमें ये 100 बेटे का मृत्यु क्यों देखना पड़ा। तब कृष्ण उनकी पूर्व जन्म की कथा सुना, बोले पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र को बोले तुम जंगल में शिकार करने गया था और बड़ी तेज से तुमको भूख लग रहा था, एक पेड़ को नीचे बैठ गया, इतने में देखा वो वृक्ष में चिड़िया चेंचा चेंचा कर रहे थे, तुमने वो वृक्ष को ऊपर में चढ़ा और वहां पर चिड़िया लोग अंडा दिए थे और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तुमने 100 अंडे को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में 100 बेटों को तुम्हारी मृत्यु देखना पड़ा। इसलिए कोशिश करना चाहिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, और मांस मछली तो लेनी नहीं चाहिए। हैं लगता है आप लोग तो आने आज लगता है आप लोग तो ये सब चीज लेते ही नहीं होंगे, और कोशिश करना प्याज लहसुन भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए। मैंने पहले बताया था ये प्याज लहसुन भी अच्छी चीज नहीं, ये तामस की वस्तु है। इसलिए कहते हैं ना आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति। जब तक हम आहार शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारी मन शुद्ध नहीं होगा। हम कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाएंगे अपने आप अंदर में जाएगा ना, वो अंदर से काम करना शुरू करेगा, अंदर से काम करना शुरू करेगा। अगर भगवान की प्रसाद को अगर हम लोग ग्रहण, प्रसाद को अगर ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालेंगे फिर तो भगवान को भोग हम नहीं लगा सकते, ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते, जो मेरे को भोग लगा कर खाता है उसका घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण खुद कहते हैं। और जो भगवान को भोग नहीं लगाएगा कृष्ण कहते हैं भुंजते तो अधम, फिर कहते हैं पाप भोजन होता है, हैं पाप भोजन होता है, क्योंकि दुनिया को ठाकुर ने बनाया इसलिए उनको दे करके खाने से हमारे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक उसमें बाधा है, ये प्याज लहसुन हमें त्याग देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था ये प्याज लहसुन की सृष्टि कानून, और एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। बोले पहले ऋषि मुनि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन एक गैया मैया है, अगर कोई गैया बुरी हो जाए ना उसको मारने नहीं देते थे, एक यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे और सबका हाथ में मांस दे देते थे, पर सबके सब आहुति डालते थे। ऋषि को पास में इतने मंत्र शक्ति थी, जब मंत्र बोलते थे गैया फिर जवान बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में गैया बूढ़ी हो गई तो उसको बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया। अभी हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने मांस देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाऊं कैसे, बोले अभी मैं रात में उसको छुपा देता हूँ, जब चले जाएंगे फिर खा लूंगा। सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पाठ किया तो जो बूढ़ी गैया एकदम जवानी बनकर भी निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपा दिया था वहीं पर घा बना हुआ था। ऋषि ने ध्यान लगाया घा कैसे बना हुआ, देखा किसने खाने का लोभ से छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को काट लिया वहीं से प्याज की पौधा होगी, मांस जैसे लाल लाल वो प्याज भी लाल लाल बनेगा,
मांस जैसे सड़ जाने पर बदबू आती है, ये प्याज में भी वैसे बदबू आएगा। आप देखो कच्चा प्याज खाओ, मुंह से बदबू आएगा। प्याज यहाँ पर काटो, पता चलेगा भैया कहाँ प्याज कट गई है, उसका छोंक तो बदबू आएगी, आंखों से आंसू आ जाती है। इसलिए आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो? 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई खाते हो घर में? कोई खाते हो? नहीं खाते। क्यों? कारण है उसका जो सृष्टि, ये गलती चीज से इसके सृष्टि हुआ, इसलिए माता जी को ये चीज पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा करके फिर नाराज कर दो? इसलिए माता जी को जो पसंद नहीं उसको नहीं लेनी चाहिए। जो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है वो चीज हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और देखो भगवान को भोग लगा कर खाने का कितने पुण्य है और नहीं खाने का कितना बुरा है। अब लोग टीवी देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, ये सुदामा गरीबी क्यों बना, ये सुदामा धनी क्यों बना? अभी सुदामा कथा आएगी। सुदामा बनाया कि नहीं? सुदामा नहीं, नहीं बना कि सुदामा का सुदामा। इसलिए आप लोग टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा वनवास जब गुरुकुल में गए थे, गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया, बोले सुदामा कृष्ण को दे करके तुम खाना। लेकिन सुदामा ने क्या किया, बारिश हो रही थी वो कृष्ण को बिना दिए उसने खा लिया। बोले सुदामा इसको कष्ट तुम्हें उठाना पड़ेगा, इतने गरीबी हुए घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन धनी का बने। फिर जब सुदामा जी को उनकी पत्नी सुशीला ने कृष्ण दर्शन करने के लिए भेजे, बोले देखो खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, कुछ ले करके जानी चाहिए। उन्होंने 2 मुठा चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी 1 मुठ्ठी खाए, 2 मुठ्ठी खाए, जब 3री मुठ्ठी खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ ली, बोले प्रभु और नहीं, आपने 2 मुठ्ठी चिड़वा खाए ना उसको घर में त्रिभुवन का राज्य पहुंच गया, अगर 3री मुठ्ठी खाओगे तो मेरे को दासी बनना पड़ेगा। और सुदामा जब घर में आता है सोने के महल बनी हुई घर में, रानी पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई, वो उनको देख करके पहचान नहीं पा रही थी, ऐसे ऐश्वर्य घर में पहुंचा। अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, देखना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, लक्ष्मी की खूब घर में पैसा आएगा हैं? अगर भगवान को भोग लगा कर खाओगे तो, इसलिए कोशिश करना घर में जो कुछ उठाना खाए ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है ना? बच्चों को भी खिलाना, पति को भी खिलाना, आप भी खाओगे घर में शांति सुख रहेगा। और जो चौथा, इसलिए जो 14 नंबर में ये सब किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु, कोई मांस मछली ये सब चीज नहीं खानी चाहिए, तामस की वस्तु है। इसलिए इसका नाम मांस, बोले मांस का मतलब क्या? आप लोग कोई संस्कृत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत पढ़े हाथ उठाओ तो, थोड़ी बहुत स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हो ना। देखना मांस का मतलब क्या, मतलब मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में फिर हमें जो खाएगा। अंग्रेजी में क्या कहते, बोले मीट, बोले मीट मतलब क्या, बोले मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, मुझे जो खाएगा तू अभी जिसको खा रहे हो है। इसलिए इस सब तामस की वस्तु को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसमें हमारी कल्याण। कहते हैं 4 चीज को छोड़नी चाहिए, बोले 4 चीज को जोड़ो, बोले 4 चीज क्या जुड़ेंगे? हाँ देखो ये भागवत की यही सार है, इतनी सी चीज अगर ले जाएंगे ना समझो पूरी भागवत सुन ली। 4 चीज को जोड़ो और 4 चीज को छोड़ो और जोड़ो 4, बोले 4 चीज जोड़ेंगे क्या, बोले हर घर में हमारी तुलसी वृक्ष जरूर होनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी वृक्ष है? हाँ लगता है हिंदू सबके घर में तुलसी वृक्ष जरूर रखना, क्योंकि जो तुलसी है ये लक्ष्मी है, साक्षात माँ लक्ष्मी है। आप देखना नारायण को साथ में तुलसी की शादी होती है, और भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, तुलसी वृक्ष में रख कर गए। हम कहते हैं ना भैया वृंदावन चलो बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर जी। जिसकी घर में तुलसी जितनी सुंदर होगा देखना उसकी घर में माँ लक्ष्मी की कृपा उतना होगी।
फिर ना किसी किसी घर में तुलसी जिंदा ही नहीं मर जाए, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं। तुलसी जितना होगा बोले तुलसी कानन जत्र वृंदावन, जहाँ पर तुलसी वहीं पर ठाकुर जी। इसलिए हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे उतरे कहाँ पर, हठात उनने तुलसी का वृक्ष देखा, बोले भैया लंका में तुलसी वृक्ष कैसे, ये तो किसी भक्तों को घर में आता है। इसलिए हनुमान जी वहीं पर उतरे, फिर देखा सामने लिखा हुआ श्री राम, शंख चक्र गदा पद्म लिखा हुआ, बोले भैया हमारा प्रभु का सब कुछ चिन्ह है, इस हमारे सब प्रभु का सब कुछ चिन्ह है। इसलिए हनुमान जी सिखा देते हैं जहाँ पर तुलसी वृक्ष होगा वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। और घर को सामने किसका नाम लिखनी चाहिए, अपना नाम नहीं लिखनी चाहिए, ठाकुर जी का नाम लिखो, राम भवन, कृष्ण भवन, सीता भवन, गीता भवन, नहीं अपना नाम लिखनी चाहिए, अपना नाम नहीं लिखनी चाहिए, अपना नाम का भवन नहीं है। हम ये दुनिया हमारी नहीं है, दुनिया ठाकुर जी का, ठाकुर का घर माने इसको, ठीक है। इसलिए तुलसी और गले में तुलसी की कंठी जरूर हो, गले में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, ये तुलसी कंठी मतलब साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास है। इसलिए जब महाराज जब जमदूतों को बोले, बोले देखो जो भजन नहीं करते हैं मेरे पास में ले आना, बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता है, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के रोड रोड बने हैं। इसलिए देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है हम सबके सब बांके बिहारी हैं, हम किसके हैं, ठाकुर जी के हैं। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए हमें ठाकुर जी की, ठाकुर जी क्या बननी चाहिए, पालतू बननी चाहिए। देखो हम तो हिंदू है, हमारे तो बड़ा विश्वास है, लेकिन देखो जो अमेरिका से रशिया से आए वो ऐसे विश्वास नहीं करने वाले हैं, नहीं। ये जब तक रिसर्च करने लेते ना, कोई चीज को रिसर्च नहीं करते हैं तब तक ये चीज को ये लोग नहीं करने वाले। इसलिए अमेरिका में रिसर्च करके देखा ये तुलसी वृक्ष में ऐसे कोई मेडिसिन नहीं जो ये तुलसी वृक्ष में नहीं। इसलिए दुकान से एक दवा ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर, आज जाकर ढूंढना, इसमें इतना बड़ा पेपर मिलेगा, इतना बड़ा सीसी, आज पढ़ करके मेरे को कल बताना उसमें क्या लिखा होगा। बोले 200 बीमारी का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो कैंसर, इसका कोई आंसर नहीं, कैंसर भी तुलसी वृक्ष से पत्ते से ही कैंसर भी सही होता है, इतनी उसमें ताकत है। स्नान कर उसका पानी सारा शरीर में जाएगी, सारी बीमारी को ये अपने आप ये सारी बीमारी को ये निकाल देती है। इसलिए जरूर तुलसी वृक्ष घर में रखो, सवेरे स्नान करके उसमें पानी दो, तुलसी की परिक्रमा लगाओ उसमें पानी दो, ठीक है ना, और गले में तुलसी कंठी पहनो। ऐसे नहीं अपने आप पहन लिया, नियम है किसी साधु से लेनी चाहिए, किसी साधु से ही पहनो तो उसमें ज्यादा लाभदायी है। इसलिए आज तक कुछ लोग आए थे माला लेकर गए, आज कुछ भक्त लोग आए थे माला लेकर गए, अगर जिनकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे और गले में कंठी पहनेंगे, अगर कल आप लोग सवेरे आओगे आपको मैं तुलसी माला दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको पहनने के लिए प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली तो नहीं, प्याज लहसुन भी त्याग करना पड़ेगा उसके लिए, तभी ये माला पहनने का हम अधिकारी बनते हैं। कहते दूसरी चीज है एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। आप लोग कोई एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, हाँ तो ना देखो ये भागवत ग्रंथ में और कोई बार व्रत का नाम इसमें नहीं, इसमें केवल एकादशी की कथा की, श्रीमद् भागवत में केवल एकादशी की कथा की है, ये एकादशी को व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है, ये कल्पतरु व्रत, बोले कल्पतरु व्रत मतलब क्या, बोले जो मांगोगे एकादशी से वही आपको मिलेगा। इसलिए एक जैसे आप लोग कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, अलग अलग आप लोग व्रत करते होंगे, उसका एक ही फल है, लेकिन एकादशी में सब कुछ मिलता है,
एक एकादशी का नाम पुत्र था। ये नंदा बाबा को कृष्ण मिले कैसे? ये एकादशी व्रत से कृष्ण मिले। जिसकी पुत्र नहीं है ये पुत्रता एकादशी कर उसको जरूर पुत्र घर में जन्म लेगा। एक 15 दिन में एक एकादशी का अलग अलग फल है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब महालक्ष्मी। जो एकादशी व्रत रखने पर घर में महालक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, उसको धरने से घर का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम है कामदा, जो एकादशी करने पर जितने सारे कामना वासना पूरी हो जाती है। किसी राजा का राज्य चला गया था, एकादशी व्रत में राज्य चलाया। किसकी घर में बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे थे, एकादशी व्रत किया तो सारे दुख कष्ट उसकी, सारे दुख कष्ट उसकी चली गई। इसलिए एकादशी व्रत में ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत करने से जीव को नहीं पीता। देखो आप लोग तो हिंदू है, आप लोग देख लेना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, बड़े सालों से बड़े कष्ट भोग कर रहा है, बिस्तरा नहीं, पायखाना पेशाब कर रहा है, प्राण नहीं जा रहा है। अगर किसी ब्राह्मण को आप बुलाओ, बोले भैया जल्दी से जल्दी इनकी मुक्ति कैसे होगी, ये दुख कैसे जाएगा, किसी ब्राह्मण को पूछना, देखना वो कोई व्रत का नाम नहीं बताएगा। वो बोलेगा आप लोग एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, केवल एकादशी का ही नाम लेगा वो, इतने उसमें शक्ति है। देखो मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, विदेश गया था, ध्यान देख रहे सुनो, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 2 साल से पड़ा हुआ था, प्राण जा ही नहीं रहा था, पानी जैसे पैसा खर्चा हो रही थी, गले में उसका प्राण अटक गया था, उस बिस्तरा में उसी में ही बिष्टा पुत्र विसर्जन करता था, बड़ा कष्ट हो कर रहा था। जब मैं यूरोप में गया तो वहां के कुछ हिंदू लोग हैं, उन लोगों ने कहा भैया भारत से कोई साधु आए, चलो ये साधु को हम ले जाते हैं। मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा ये बड़े दिनों से हॉस्पिटल में पड़े हुए, प्राण नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, हम भी परेशानी, बहुत पैसा खर्चे हो रहा है, इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग एकादशी व्रत करके फल दो। बोले बाबा 10 दिन बाद इनका दुख नहीं देखा जाता। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार संकल्प कर लो, हम सबके सब एकादशी का व्रत फल देंगे। केवल संकल्प आज कर लो, संकल्प किया तो थोड़ी देर बाद में शरीर छूट गया, एकदम थोड़ी देर बाद में शरीर छूट गई। हमारे वृंदावन में एक ट्रक में गैया की एक्सीडेंट हो गई, इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुई, गैया की हड्डी में स्नायक हो गया, बड़ा कष्ट भोग कर रहा था। अमेरिका के बड़े गुरु जी का कोई शिष्य गुरु जी को बोले गुरु जी एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, बड़ी दुखी भोग कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा एक काम करो, उसको कान में जाकर के बोल दो एक एकादशी का फल हम तुम्हें प्रदान करेंगे। उसको कान में बोलते ही प्राण छूट गई। आप लोगों देख लेना, घर में बड़े से बड़े कोई दुख होगा, अब एकादशी व्रत करके फल दो, उसी समय उसके पाप नष्ट हो जाती। इतनी महिमा एकादशी की, और ये 15 दिन में एक बार आती है। उसी दिन जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो, फलाहार करते हो, ऐसे ही आप लोग फलाहार कर सकते हैं, हैं? और दूसरे दिन टाइम से व्रत खोलना, लेकिन जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना। भले ही कोई व्रत रखो और मत रखो, जो एकादशी व्रत रख लेते सब व्रत एकादशी में आ जाती। बोले क्यों? बोले एकादशी भगवान बांके बिहारी का व्रत है, और भगवान को अंदर में सारे देवा देवी, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए अपने आप सारे देवा देवी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत की इतने महिमा, बोले श्री एकादशी व्रत की, बोले श्री माधव प्रिय प्रभु की जय, जय श्री राम। देखो हमारे बीच में हमारे एक बड़े गुरु भाई आ रहे हैं, ये बड़े विद्वान हैं और बड़े भजनानंद प्रभु हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं, इसलिए माधव प्रिय प्रभु जी सामने आ जा, इधर आ, ऊपर में आ जा। अब लोग मेरे साथ में थोड़ा कीर्तन कर लो, ताली बजाते हुए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
इसलिए उन्होंने आपस में लड़ाई करके उन्होंने खाना ही नहीं खाया, लेकिन उनको पता नहीं था आज एकादशी तिथि है। लेकिन वो एक निर्जला एकादशी व्रत हो गई ना, एक निर्जला उनकी एकादशी व्रत हो गई, दूसरे जीवन में वो राजा रानी बनकर के जन्म हुए हैं, ये रुक्मांगद महाराज बनकर के जन्म हुए। अगर अनजान में एक एकादशी व्रत कितना फल, अगर कोई जान बूझ करके एकादशी करे तो अब सोच भी नहीं सकते हो एकादशी की कितनी महिमा। देखो चलो बाबू, अभी साइंस का जो हो गया ना, सबके सब साइंस के ऊपर विश्वास करते हैं। देखो ये एकादशी साइंस है, हमारे गुरु जी कहते थे, ध्यान देकर सुनो, अब भी सुना समझो, दूसरों को भी समझाओगे। बोले भैया एकादशी में क्या साइंस है, देखो ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओगे ज्यादा नहीं चलेगी कोई भी मशीन को, इसलिए बीच बीच में उसको छुट्टी देनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई नौकरी चाकरी करते हो, संडे को छुट्टी होता कि नहीं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी होती है, होते कि नहीं। फिर जैसे 7-8 पीरियड देखना, उसमें बीच में एक खेल छुट्टी भी होता है। बोले क्यों 7 दिन क्यों नहीं पढ़ता है, बढ़िया पढ़ेगा ना। बोले भैया 7 दिन पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, इसलिए ये ब्रेन को एक दिन उसको विश्राम देते हैं, हैं? इसलिए उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है, इसको अगर कंटिन्यू चलाओगे ना, ये मशीन को बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाते रहोगे, शरीर तुम्हारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बीच में खराब हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनिया ने कहा देखो इस शरीर को 15 दिन के बाद एक बार शरीर को थोड़ी सी विश्राम दिया करो। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, प्रश्न है भैया और भी कोई व्रत करके तो विश्राम दे सकते हैं, लेकिन ये एकादशी का दिन हम क्यों शरीर को विश्राम दे? देखो इसमें क्या साइंस, ये चीज को समझो। आप लोगों सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, जुहार भट्टा होती है। बोले क्यों? बोले जो चंद्रमा ये आकर्षण करती है पृथ्वी को, खींचती है, ये पृथ्वी खींचती है चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा तो इतना बड़ा पृथ्वी को खींच नहीं सकती है, और चंद्रमा भी इतना बड़ा पृथ्वी नहीं, पृथ्वी भी चंद्रमा को खींच नहीं सकता है। फिर इसका प्रभाव कहां पड़ता है? पानी के ऊपर में। क्यों? पानी तरल है, पानी तरल है, इसको ऊपर में प्रभाव पड़ता है। आप लोग तो समुद्र किनारा में कोई नहीं रहते, हम लोग रहे, जब एकादशी का दिन देखना चंद्रमा धीरे 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 ज्यादा बढ़ती है, और जितना चंद्रमा बढ़ती रहती है उतना उन्होंने पानी को उतना खींचती है, पानी उतना उफनती है, और पूर्णिमा का दिन
बड़ी बड़ी लहरी आती है, बड़ी बड़ी लहरी आती है। उसको बाद में जब प्रथमा द्वितीया होगी, धीरे 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 चंद्रमा जैसे छोटा होने लग जाता है पानी, धीरे 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 पानी भी कम होने लग जाती है। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो पांच चीज को द्वारा शरीर बना हुआ है। बताओ तो कौन बताएगा, बोलो शरीर में पांच चीज क्या क्या है, बोलो कौन बोलेगा, बोलो बोलो कौन बोलेगा शरीर में पांच चीज क्या क्या है, बोलो भैया आप लोग पढ़े नहीं, समय तो बैठा लो, बोलो जोर से। उसमें मिट्टी, वायु, आकाश, जल है, जल और अग्नि, उसमें पांच चीज से शरीर बना हुआ। बताओ तो सबसे ज्यादा शरीर में क्या है, पानी। कितना परसेंटेज है, 75% पानी है। इसलिए ये शरीर में ज्यादा पानी, इसलिए आप लोग देखना जिसको शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा शरीर दर्द होगा, घुटने में पूर्णिमा का दिन इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते, क्यों चंद्रमा पानी का प्रभाव, चंद्रमा पानी के ऊपर पड़ता है चंद्रमा का प्रभाव। उसी तरह आप देखना किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लक्ष्य करके देखना, एकादशी से ज्यादा पूर्णिमा तक ज्यादा बीमारी लोग हॉस्पिटल में आएंगे। किसी शमशान में चले जाओ देखना, मरते हुए देखोगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कहीं भी खून खराबी होती है नजर लगा कर देखना, वो एकादशी से पूर्णिमा तक ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा होता, क्यों चंद्रमा का प्रभाव ये शरीर पर पड़ता है। कहते हैं माताओं के अंदर में चिड़चिड़ापन भी ये एकादशी लेकर पूर्णिमा तक जाता होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, बोले भैया एकादशी का दिन ऐसे चीज मत खाओ, कौन सा चीज, जैसे अन्न है, रोटी है, गेहूं है, क्यों ये स्पंज जैसे, अगर इसको पियोगे ना वो ज्यादा पानी को, ये ज्यादा पानी को खींचेगा, लेकिन फल का पानी नहीं मांगेगा, पानी नहीं मांगेगा। इसलिए ये सब परफेक्ट साइंस है। और एकादशी का दिन अन्न खाने से बोले गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और पिता माता हत्या, पांच महापाप लगता है। और पाप होने पर क्या होता है, मेडिसिन चाहिए, पाप होने पर मेडिसिन चाहिए ना, इसलिए तो मेड इट सीन, टेरा माई सीन, क्रोसीन, वो सीन 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 शब्द, सीन सीन मतलब होता है पाप। ये सब चीज क्यों होता है, बोले पाप से ही ये सारी चीज होती है। इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, जरूर आप लोग एकादशी व्रत, जरूर एकादशी व्रत रखना। एक तुलसी, दूसरा एकादशी, बोले तीसरा क्या, बोले हर घर में ठाकुर जी की सेवा जरूर हो, ठाकुर जी की सेवा जरूर हो। ठाकुर के लिए ऐसे नहीं घर का सबसे जो रिजेक्ट का स्थान कोई मंदिर बना दे, नहीं, जब दिया किसने सब कुछ दुनिया, ठाकुर ने हमें दिया, ठाकुर ने सब कुछ दिया है ना, जब दिया है इसलिए घर में सबसे बढ़िया स्थान में ठाकुर जी का मंदिर बननी चाहिए। घर में प्रवेश करने जैसे ठाकुर जी की मंदिर दर्शन मिले। देखो संत लोग एक उदाहरण देते हैं, देखना अपना शरीर को आप बढ़िया से सजाओ, अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना शीशा में जो परछाई पड़ेगी वो शरीर को जैसे सजाओगे परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है। उसी तरह जो मेन है भगवान है, जो जितने सुंदर ठाकुर को सेवा पूजा घर में भक्ति होगा ना, उसका घर उतना ही फलते फूलते रहेगा, उतना ही फलते फूलते रहेगा। देखो अभी जिन लोगों ने ये भागवत कथा करवा रहे हैं हमारे प्रभु लोग, अब इनके घर में कभी कभी बीच बीच में आया जाकर देखो, उन्होंने ठाकुर को कितने सुंदर श्रृंगार करते हैं, ठाकुर को कितने सुंदर सजाया, एक पूरा घर ही मंदिर है, कितने सुंदर ठाकुर का श्रृंगार, देखो फलते फूलते जा रहे हैं। हर साल ये भागवत कथा करा रहे हैं, हर साल इन्होंने भागवत, एक पैसा हमें से निकलना बड़ा कठिन, लेकिन इन्होंने इतने पैसा खर्चा करके लोगों का कल्याण हो, उन्होंने जो भागवत कथा कर दिया। देखो घर में देखो कितने बहू कितने सुंदरी, बच्चे कितने सुंदर है, उनके बच्चे कितने सुंदर, आप स्वयं देख लो, घर में कभी जाओ कहीं हीरो हीरोइन का कोई पिक्चर नहीं लगा हुआ है, जिधर देखोगे ठाकुर ठाकुर, घर में जाओगे ना लगेगा जैसे ठाकुर की, किसी घर में ठाकुर जी की मंदिर में आ गए। इसे जरूर घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा, बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा सुना देता, बोले एक समय अयोध्या में, हम कभी कभी सोचते हैं ना अरे ये तो पत्थर का बना हुआ है, तो अष्टधातु की बनाएंगे, थोड़ी कुछ बोलता है, नहीं ठाकुर जी सब कुछ बोलते हैं। बोले एक समय कोई एक गुरु जी कुछ शिष्य थे,
शिष्य का नाम का राम दरबार मंदिर था। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था रामदास। गुरु जी ने कहा, बेटा मैं कुछ दिन के लिए मैं जाना चाहता हूँ, कुछ काम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तुम ठाकुर का सेवा पूजा कर लो। मैं गुरु जी कर लूंगा। बोले, देख बेटा ठीक से ठाकुर को सेवा पूजा करना, ठाकुर को ठीक से खिलाना। बोले, गुरु जी कोई चिंता नहीं करना। लेकिन एक छोटा बच्चा कभी देखा ही नहीं ठाकुर को सेवा पूजा कैसे करते हैं। उन्होंने रोटी सब्जी बनाए और ठाकुर जी घर में गए और पीढ़ी लगा दी, ठाकुर को वहां पर खाना दे दी। लेकिन वो बच्चा है ना, सरल बच्चा है, बोले ठाकुर जी आओ और भोजन कर। लेकिन देखा भगवान राम बैठ कर खाना ही नहीं खा रहे। बोले, ठाकुर जी क्या नाराज हो? गुरु जी ने बोले, अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाना पिलाना, नाराज हो जाएंगे गुरु जी अगर खाना नहीं खाओगे तो। आओ बैठो भोजन करो। लेकिन तब भी भगवान बैठ नहीं रहे। बोले, अगर ठाकुर जी भोजन नहीं करोगे ना, अयोध्या में कथा है, बोले ये सामने सरजू नदी, इसमें मैं आत्महत्या कर दूंगा। वो आत्महत्या करने के लिए गया। इतने में भगवान राम हिल गए इनकी भक्ति देख करके। बोले, हनुमान जी जाओ जल्दी जल्दी उसको पकड़ करके लाओ, जल्दी जल्दी पकड़ करके लाओ। छलांग लगा रहा था, इतने में हनुमान जी पकड़ लिए। बोले, ठाकुर जी भोजन कर रहे। बोले, कर रहे हैं? बोले, हाँ। देखा सचमुच से राम भोजन प्रसाद पाए, माँ लक्ष्मी पाई, उसको बाद में भरत शत्रुघ्न, बाद में श्री हनुमान, फिर उन्होंने प्रसाद पाए। जब दो चार दिन गया ना, बोले ठाकुर जी अकेला लाओ, भिक्षा मांग करके लकड़ी लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, खाना खिलाओ, मेरे से तो बड़ा कष्ट लगता है। बोले, बेटा बताओ हम मदद कर देंगे। राम जी बोले, बचाओ हमें क्या करना पड़ेगा? बोले, आपके घर की पिता थोड़ा धोना पतल बला देना। बोले, ठीक है। मैया सीता बोले, मुझे क्या करना? बोले, तो आप घर की माँ हो, माँ तो रसोई बना दी। कोई बात नहीं, मैं तो वही जंगल में ही काम किया। लक्ष्मण जी बोले, मुझे क्या करना? बोले, जंगल से थोड़ा लकड़ी ले आना। बोले, भैया 14 साल मिले तो मैं ही काम किया। हनुमान जी ने बताया, मेरे को क्या करना? बोले, सारे काम को थोड़ा बाहर से देख लेना। बोले, भैया मैं तो जिंदगी भर यही काम किया। अभी बड़ी अच्छी तरह से सेवा चल रही है। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर आया। बोले, रामदास मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, पानी की बोतल बन एक टाइम के लिए खाने का व्यवस्था करते ना, फिर आकर के क्या हुआ? पानी की बोतल ला रहा। उन्होंने मैया सीता को बोले, बोले माता जी, गुरु जी का लेटर आया है, कुछ संतों को साथ में आ रहे हैं, बोले एक टाइम के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देना। बोले, बेटा कोई चिंता मत करो, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना। और उन्होंने गुरु जी को लेटर भेज दिया, गुरु जी कोई चिंता मत करो। मैया सीता बड़ी सुंदर खाना बनाती है और लक्ष्मण भैया तो लकड़ी ले आते, हनुमान तो सब काम देख लेते। गुरु जी लेटर पाकर बोले, ये पागल क्या बोल रहा है? उनको तो पता नहीं ये हो रहे हैं। गुरु जी जब आए, देखा घर पूरा छापा न हो और छतरी से व्यंजन बना हुआ। बोले, भैया इतने खाना कैसे बना? कोने में देखा मैया सीता बैठ करके खाना बना रही, और मैया सीता गुरु जी को देख रहे, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुरा दी। अरे मैया वहीं से अंतर ध्यान हो गई। अरे गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसे कैसे हो गया? बोले, गुरु जी जब आप गए ना, ठाकुर तो खाना ही नहीं खा रहे थे। मैंने कहा, अगर खाना नहीं खाओगे मैं तो सरजू नदी में आत्महत्या कर दूंगा। फिर ठाकुर जी कहा, मैं अकेला कितना करूं? इसलिए सबके सब मदद कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरह से सेवा चल रही थी। गुरु जी बोले, भैया चेला तेरे जैसे चेला होनी चाहिए, तुमने तुम्हारी जैसे मैंने शिष्य बना करके मेरा जीवन धन्य हो गया। देखो इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया दशदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं। आप लोग कोई उड़ीसा गए हो, जगन्नाथपुरी, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हो, हाथ उठाओ तो देखना। जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन है पहले, उसका नाम साखी गोपाल है। ठाकुर जी साखी देने के लिए वृंदावन से चलते चलते चले गए। वहां पर एक ठाकुर जी आलारनाथ गर्म खीर भोग लगाए। ठाकुर जी जल्दी खाए तो ठाकुर का शरीर में 3 जगह में पपला पड़ा हुआ, हाथों में, मुंह में और छाती में। कभी अगर चलोगे ना पूरी, आपको ये सब लीला आपको दर्शन कराएंगे। इसलिए ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। इसलिए हर घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। जो कुछ खाए ठाकुर को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। और जो कुछ करो हाथों में ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम। इसलिए 3 और एक चीज जो भागवत से सबसे जो बढ़िया चीज लेकर जाना,
बोले कौन सा? बोले ठाकुर का नाम को लेकर जाना, ठाकुर जी की नाम। अभी अभी भक्त लोग कितने नाम की महिमा आपको बताई है, हरि नाम यही अंतिम समय में काम आएगा। मैंने कल चारी बहुओं की कथा सुनाई थी ना, किसको किसको याद है हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ किसको किसको याद है बताओ, कौन सा बहू लास्ट में गई है, कौन सा नंबर बहू साथ में गई, जो सबसे जब बड़ी बहू शरीर थी वो मरते ही शरीर वहीं पर रह गया, दूसरी बहू सबसे सुंदरी थी पैसा वो मरते ही दूसरों को साथ में शादी कर ली, पैसा चली गई, तीसरी बहू जो थी जो बीटी बीटी बोलती थी पत्नी कहाँ तक गई, दरवाजा तक गई, आगे नहीं गई। लेकिन जिस बहू को कभी ध्यान नहीं दिया, कभी पूछा भी नहीं, तेरे साथ पास में साड़ी साबुन तेल है भी नहीं, लेकिन वही साथ में जाने के लिए तैयारी हुई, वो कौन सा नंबर बहू थी, भगवान की भक्ति और ठाकुर का नाम था। जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखते हैं, लेकिन अंतिम समय में वही हमारी केवल काम में आती है और कोई काम में नहीं आती, ठीक है ना। आज कुछ लोग आकर के हरिनाम लेकर गए थे, माला लेकर गए थे, अगर और जिसको इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, हम तो पीछे रुके हैं, आप लोग आकर के सवेरे 7-8-9 बजे हो गए तो माला लेकर के आना, घर में हरिनाम करना, भजन करना। और कल जो पर्चा हमने बंटवाया था उसमें अपना नाम एड्रेस लिख करके पीछे दे देना, और जिसको नाम लिखवाना वो भी अपना नाम को लेकर पेन कागज लेकर लिख करके जाना, ठीक है। इसलिए देखो अभी कथा को विश्राम तरफ में जा रहे हैं और हमारे प्रभु जी आए हैं, कृष्ण कृष्ण रुक्मिणी बने ना, अरे 5 मिनट ठीक है, इसलिए कृष्ण रुक्मिणी बने, इनकी भी शादी होगी और प्रभु जी भी सुंदर सुंदर थोड़ा आपको उपदेश देंगे जीवन में हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और विनोद बिहारी प्रभु जी नहीं, देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा हुई है हमारे जो श्री विनोद बिहारी प्रभु जी इधर आ गए, इन्होंने और इनका जो बेटे लोग ने, इन लोगों ने अथाह परिश्रम करके, आप लोगों देखे होंगे कितने सुंदर उन्होंने व्यवस्था की है, जीवन का जितने वो पैसा कमाते हैं ना दुकान में वो सारी पैसा को जमा करते रहते हैं। बोले किस लिए जमा पैसा करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, लोग को कल्याण हो, जिस रस को हम पान कर रहे हैं वो रस सबके सब रस पान लिया, केवल इसीलिए सारे पैसा भी कमाते हैं, सारे पैसा वो कमाते हैं। और सचमुच से जब ऊपर जाएंगे ना सबके सब लिखा हुआ मिलेगा, इन्होंने भागवत में ये सारे पैसा को ये भागवत कथा में उन्होंने लगाए थे। मीरा कहती है ना, दीन दीन बड़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए ये लोग इनका पूरा परिवार भक्त ही भक्त है इनका परिवार, इसलिए ये भागवत कथा की इतने महत्व, एक तराजू का एक तरफ में पृथ्वी का सारे पुण्य को रख लो, दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा के पुण्य रखो, सबसे पहला भोजन भारी कथा, ये कथा की इतने महत्व। सुखदेव गोस्वामी इसकी कथा सुन सुन करके सीधा भगवत लोक में गमन किया, इतने ये भागवत कथा की ये महत्व है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आदि तवा अनुवादित कथा कहीं हो रही है, अगर इतनी सी कोई बात बता दे कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इतना बोलते ही सारे पाप से मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन गमन करता है, इतने महिमा। इसलिए आप लोग इनकी परिवार लोग के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये कथा जितनी आपकी अच्छी लगी उतना जोर से आप लोग ताली बजाओ। जैसे इसी कथा में इनकी इनका जो कर्मचारी लोग जो काम करते हैं वो लोग भी देखो जितना प्रसाद, कोई चीज को उठाना नहीं करना, सबके सब इनका कर्मचारी लोग भी जी एकदम तन मन से हर तरह सेवा की, इनके कर्मचारी के लिए भी जोरदार ताली बजा। और श्री रमेश गोयल जी और श्री विपिन वर्मा है, हाँ कहते ये सदर का विधायक है, आप इन्होंने भी भागवत कथा में कुछ मदद किया, अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजा। और इनके जो बेटे लोग दास जी, अशोक कुमार गुप्ता जी, प्रमद कुमार गुप्ता, उमेश गुप्ता, सुनील बाष्णेय, सुनील गुप्ता और क्या है शैलेंद्र वीर, और श्री राधा रमन दास, मदन मोहन दास, रास बिहारी दास, धीरा धीरज गुप्ता और जुगल किशोर बाबा जी, विजय नवल, इन लोगों ने भी हर तरह से, इनका एक चाचा लगते हैं, उन्होंने तो सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए, इन लोगों ने तन मन धन से
हर तरह से इन लोगों ने कथा में मदद की। आप इनके लिए जोरदार इतना जोर से बजा सकते हैं। देखो कथा में सबसे ज्यादा भागीदार, सबसे अच्छे भागीदार कौन है? जो कथा सुनने के लिए आए। जैसे ये पैंडल बन जाता, मैं भी आ जाता, सब कुछ आ जाता, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने नहीं आते, अगर परिकीति महाजन नहीं होता ना, सुखदेव गोस्वामी कथा नहीं कर सकते थे। परिकीति महाराज है तभी कथा हुई। आप लोग जितने भक्त लोग आए हो, घर में कितने सुख शांति में रहने वाले, लेकिन आप लोगों ने घर छोड़ करके ठंडे में आकर के तीन तीन चार चार घंटा बैठे हो, इसलिए जितने श्रोता हैं आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर जी आपको शांति सुख दे और भगवान की भक्ति दे। आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा जोर से। और इन्हीं कथा में जिसने पैंडल बनाए और जिसने हमारे माइकी वाले भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया माइकी वाला है, माइकी वाले कहिए बड़े सुंदर, इन्होंने हम सब जगह में कथा करते हैं, लेकिन इनकी माइकी ना बड़ी सुंदर माइकी है, इनको भी ताली बजा। और ये कथा में जैसे हमारे भक्त लोग आए हैं वृंदावन से, जो प्रभु की आशियों बजाते हैं, आपको नचा नचा करके हमको पागल बना दिया प्रभु ने, इसलिए इनके अंगुल गोबर में हम नाच रहे थे। और हमारे श्री संजीत प्रभु जी बड़े सुंदर जो मृदंग बजा रहे थे, और पेड़ में हमारे श्री मदन मोहन प्रभु जी, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजा। और इन कथा में हमारे श्री माधव प्रिय प्रभु जी, ये IIT कर रहे थे बम्बे में। देखो एक समय इस्कॉन का एक ग्रंथ है इनको हाथ में पड़ा, देखो ग्रंथ में कितने महीना, ये IIT कर रहे थे, इनको हाथ में ग्रंथ पड़ गया। जब इस्कॉन का कोई भक्ति का ग्रंथ पड़ गया, प्रभु जी नाम क्या था उसका? हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये ग्रंथ का नाम था। ये IIT कर रहे थे, देखा बेकार आया ग्रंथ। एक दिन वो बम्बे से दिल्ली में प्रभु का घर है स्टोप कैलाश में, जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा ग्रंथ तो बेकार, इसमें पढ़ कर किया होगा, बेकार का काम। लेकिन जब वो ट्रेन में आ रहे थे अपना टाइम पास करने के लिए, उन्होंने देखा भैया एक पुस्तक पढ़ा हुआ, थोड़ा उठा करके पढ़ो। उन्होंने पढ़े तो पढ़ना शुरू कर दिया, इतनी अच्छी अच्छी उसमें बात बताया था, ये जीवन क्या है, भगवान हमें जीवन की क्यों दिया है, जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने एक छोटी पतली वो ग्रंथ है, आप लोग जरूर वो ग्रंथ को पढ़ना। वो एक ग्रंथ उन्होंने जीवन में पढ़े और इनका जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो गया इनका। और धीरे 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 संतों के साथ उन्होंने संबंध करने लगे और एक दिन उनको भगवत भक्ति में लगा दिया। प्रभु जी बहुत प्रचार करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रभु जी कथा सुनाते हैं प्रभु जी, और हम लोगों को हर तरह से उत्साह दे करके, प्रेरणा दे करके, हर तरह से प्रभु हम लोगों को मदद करते हैं। इसलिए आज प्रभु जी कृपा करके भजन बोलने वाले, गाने वाले सब भक्तों को लेकर, सुशील प्रभु आपसे भक्तों को लेकर गाए, अब इनके लिए जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजा। हरे कृष्णा। देखो प्रभु जी अभी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी की शादी, फिर सुदामा, कृष्ण सुदामा भी हैं, प्रसाद लेकर। देखो आज लास्ट का दिन है और कल से जगन्नाथ रथ यात्रा है, बैठा लो सब बुला के, बैठा था जगन्नाथ जी ने बुला लिया, मैंने बताया था ना कैसे जगन्नाथ जी अपना कथा सुनते सुनते, अपनी ब्रज की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर जगन्नाथ बने। बलदेव प्रभु जी अपना कथा, ब्रज की कथा सुनते सुनते बलदेव सुभद्रा देवी उनका सुदर्शन सबके साथ ये द्रवीभूत होकर के प्रभु ये रूप धारण किया। भगवान नारद जी बोले प्रभु अगर ये रूप एक बार कोई रथ के ऊपर दर्शन कर ले, आपकी मंदिर में एक बार कोई कलयुग में दर्शन करे, जैसे पुनर्जन्म नहीं हो, घर में शांति सुख और भक्ति बढ़े। इसलिए कल श्री जगन्नाथ जी, इनकी तो बहुत ही कथा, हमारे पास में समय नहीं सुनाने के लिए, इसलिए कल श्री ठाकुर जी रथ में बैठ करके, देखो कल रथ यात्रा हम 11 बजे कथा करेंगे, 11 बजे हम रथ यात्रा शुरू करेंगे 11 बजे, इसलिए आप लोगों को देर नहीं करना, क्योंकि फास्ट से उनको ले जाना और उनको लास्ट में बुला देना ठाकुर जी को। मैंने बताया था ना रथ में एक बार कोई दर्शन कर ले, जब जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। और ठाकुर जी रथ में बैठते हुए तो आंख देखो चारों तरफ में आंख जा रहे हैं, ये ऐसे एक ठाकुर है, हर ठाकुर को देखने के लिए हम मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे एक ठाकुर मंदिर छोड़ करके हमें दर्शन कर देने के लिए ये रोड में उतर करके ठाकुर जी सारा दुनिया को ये दर्शन देते हैं। ये ऐसे के ठाकुर, इतने दयालु ये ठाकुर जी,
इसलिए इनकी रस्सी को जो पकड़ ले, केवल रस्सी को जो पकड़ ले, रथ नहीं राधा जी के हृदय है वो रस्सी, कौन खेच रहे गोपियां इनको ब्रज में ले जाते, ठाकुर जी बड़े खुश रहते हैं। इसलिए इनकी दर्शन रस्सी स्पर्श करने का सारे भूत पिशाच डाकिनी साकी दुख सुख दुख खत्म हो जाती है। इनके एक बार इनकी रस्सी पकड़ो और दर्शन कर लो। इसलिए कल आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? येलो, और कोई रंग नहीं होनी चाहिए। कल बसंत पंचमी है ना, सारे ठाकुर को बसंत रंग का ठाकुर कपड़ा पहनेंगे। बसंत पंचमी काली बहुत बढ़िया दिन, बड़े बड़े संतों का काली तिथि, सरस्वती पूजा भी कल है, बड़ी अच्छी तिथि है कल। इसलिए आप लोग अकेले नहीं आना, बेटा पुत्र परिवार सबको साथ में लेकर के आना। और बड़ौत में पूरा धूम मचाते हुए संपूर्ण बड़ौत को श्री वृंदावन बना देंगे। हरी बोल, ठीक है। इसलिए इसलिए अभी देखो मेरे को भी कुछ देनी चाहिए ना, नियम है कथा से कृपा है, अगर जो वक्ता को कुछ नहीं दो ना प्रेम प्रभु, प्रेम प्रभु, इसलिए मेरे को क्या प्रेम प्रभु, मेरे को आप लोग आशीर्वाद देना। क्या आशीर्वाद दोगे? जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं, आप लोगों की सेवा कर सकूं और सारा जीवन मंदिर में रह करके भक्ति कर सकूं, आप लोग मेरे को ये आशीर्वाद देना। जब ये कथा विश्राम होगी, कुछ कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे, जैसे सुदामा का चरित्र होगी ना, उसमें कृष्ण दो मुठे चिड़वा खाए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दिया। इसलिए मेरे को कुछ भक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे, नियम है वो व्यास गति से कुछ चावल देनी चाहिए, क्योंकि वो चावल लेने पर घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में शांति सुख रहती है। कथा के बाद में आप लोग आना, यहाँ से थोड़े थोड़े फूल ला करके भागवत में दे जाना, और थोड़ा यहाँ से चावल अपना चुंदरी में लेना, और इस चावलों को ठाकुर जी घर में रखने का बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कथा विश्राम होगी आप लोग यहाँ से आशीर्वाद में जाना। प्रभु जी आपको थोड़ी आशीर्वाद देंगे, कैसे भक्ति करनी चाहिए, इनका जीवन का भी अनुभूत कर कृष्ण रूपी साहब को समझो, कर प्रसाद ले लिया, ठीक है। प्रेम प्रभु ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। देखो आज जो प्रसाद की जो व्यवस्था है आप सभी भक्तों के लिए, सब लोग तो कुछ ना कुछ, सब लोग ने कुछ कुछ प्रसाद दिया है। ये भागवत कथा में एक मानसी सिका अगर कोई काठी भी दे दे इसमें, उसका भी भगवान भक्ति और उनको पर भी कृपा करते हैं। आज का जो प्रसाद व्यवस्था है, कहते श्री मनोज सिंह और श्री अर्चना सिंह है और जी अजय पुस्तक भंडार है, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली दें। भगवान इनको शांति सुख और उनकी भक्ति प्रदान करें। अभी मैं सबसे पहले एक बात आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे महाराज जी ने सभी लोगों के लिए
उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने सेवाएं की, उन सब के लिए तालियां बजवाई। किंतु हम लोग सर्वप्रथम उन्हीं के यहाँ पर विराज करने के, उनके यहाँ पर आकर के कथा कीर्तन करने के, आप सभी लोगों को वास्तविक रूप में शुद्ध हरि कथा सुनाने के लिए हम सबसे अधिक उनके चरणों में प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। आप सभी उनके उद्देश्य से तालियां बजाएं। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, एक समय वो मुंबई में गए थे कथा करने के लिए, और वहीं पर ही कथा करते करते श्रील गुरुदेव ने एक बात बोली कि देखो, ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर दाल रोटी चावल सब्जी इत्यादि खाने के लिए आया हूँ। मथुरा में मुझे खाने की चीज़ों का, पीने की चीज़ों का कोई अभाव नहीं था, वहाँ पर भी मुझे सब कुछ मिलता था, फिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्या तुम लोगों के दाल चावल सब्जी इत्यादि खाने के लिए? मैं ये सब लेने के लिए तुम्हारे पास आया नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों के पास में कुछ देने के लिए आया हूँ। और वो क्या वस्तु है? ऐसी वाली वस्तु जिसके बदले में आप लोग कुछ भी दे नहीं सकते, ऐसी अमूल्य वस्तु है, उसको मैं देने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ किसी एक स्थान पर विदेश में भी हमारे गुरुदेव ने यही बात बोली कि लोग कहते हैं कि भारत बहुत निर्धन है, किंतु आप लोग ऐसा समझना नहीं कि मैं निर्धन भारत से आया हूँ, मैं बहुत धनी भारत से आया हूँ। भारत के पास में जो वस्तु है वो अन्य किसी भी राष्ट्र के पास में नहीं है। आत्म तत्व के विषय में, भगवत भक्ति के विषय में वैदिक जो विचारधारा, वो सब ऐसी वस्तुएं जो जिसके पास में भी वो वस्तु आ जाती है, उसके पास में जगत की सारी वस्तुओं का अभाव होने पर भी उसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, उसको अनुभव ही होता नहीं कि मेरे पास किसी वस्तु का अभाव है। इसीलिए ये नहीं समझना कि मैं निर्धन भारत से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? बहुत धनी भारत से। इसी प्रकार से हमारे महाराज जी, अभी उनका वृंदावन में हो, अन्य अन्य स्थानों पर हो, कई स्थानों पर आश्रम इत्यादि हैं, और सब प्रकार की सुख सुविधाएं इत्यादि हैं, किंतु तब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर सब समय जो एक यात्रा करते हैं। आप लोग यदि देखेंगे, आज मैं जिस समय आया पीयूष जी के घर पर, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी का जो शेड्यूल है बहुत व्यस्त वाला रहता है, उठना सुबह, कितने सारे लोगों से मिलना, फिर किसी के घर पर जाना, वहाँ पर कथा कीर्तन करना, फिर संध्या के समय में यहाँ बैठ करके कथा करना, फिर से किसी के घर पर जाना, कथा कीर्तन करना, तो इस प्रकार से सब समय ही चलता रहता है, कभी भी विश्राम वाला भी होता नहीं है। और मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा लोग क्या समझते हैं कि कोई व्यक्ति यदि साधु बन गया, इसका अर्थ क्या है कि वो आराम से बैठ करके भजन करता है, कभी कभी भगवान के मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम करते रहते हैं, केवल यही उनका जीवन है। किंतु क्या वास्तविक रूप में ऐसा है?
तो कहते हैं नहीं प्रभु जी, हम लोग भी इतना परिश्रम नहीं करते जितना कि महाराज जी को करते हुए देखते हैं। तो इसीलिए बाहरी रूप में कुछ और दिखलाई देने पर भी महाराज जी स्वयं ही कितना परिश्रम करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को कथा इत्यादि सुनाते हैं, बैठते हैं, फिर किस प्रकार से अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी तरह से निग्लेक्ट करते हैं। खाने का भी बहुत बार समय नहीं होता, कभी 2 बजे खा रहे हैं तो कभी 5 बजे खा रहे हैं, कभी रात को 12 बजे सो रहे हैं तो कभी 11 बजे सो रहे हैं, किसी भी वस्तु का नियम नहीं रहता। जहाँ पर कोई भी हरि कथा सुनने के लिए मिल जाता है, थोड़ा सा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, भगवान के विषय में थोड़ा जानना चाहता है, जान करके इसका मंगल होगा, भक्ति की तरफ लग जाएगा, तो उसके लिए समय देने के लिए बैठ जाते हैं, हर चीज में एडजस्ट करते रहते हैं। और 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल भी नहीं, ऐसे देखते देखते मेरे को ही लगभग उनको 25 साल हो गए अभी, कि 25 साल में सब समय केवल मात्र क्या करते हैं, उनका नियम देखा वृंदावन में रूप सनातन गौड़िया मठ में, कि कथा करके भले ही रात को वृंदावन में 1 बजे पहुंचेंगे, मान लीजिए दिल्ली से आए या फिर किसी और स्थान से आए, 12 बजे आना 1 बजे आना, किंतु मंगल आरती में उनके दर्शन अवश्य ही होंगे, वो मंगल आरती में आएंगे ही आएंगे। और भक्त लोग अपना अपना सेवाएं करते रहते हैं, किंतु मंदिर में यदि कोई भी आ जाता, कोई बाहर से आ जाता है, मिलने आता है, अपने समय पर आता है, कभी ऐसे समय आता है जब उनको विश्राम करना होता है, किंतु उस समय भी देख करके उसको कि कोई आया है, अपने कमरे से उठ करके उनके साथ बैठ जाते और उनको कथा इत्यादि सुनाने लग जाते। तो इस प्रकार से सारा समय अपना जो है किसके लिए लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करने में। किस लिए, इसमें उनका अपना क्या स्वार्थ है, आप लोगों से ऐसी कौन सी वस्तु ले लेंगे जिससे उनका जीवन जो है बहुत सुखी हो जाएगा। उन्होंने तो अपने घर को ही छोड़ा था, माता पिता को छोड़ा था, बहन भाई को छोड़ करके आए, किस कारण से छोड़ करके आए, क्या इसलिए कि कुछ लोगों से पैसा ले लेंगे, कुछ लोगों से खाने की अच्छी चीज़ें ले लेंगे, या फिर कुछ लोगों से कपड़ा इत्यादि ले लेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए तो अपना घर छोड़ा नहीं था। तब फिर क्या उद्देश्य है उनका इन सारी सेवाओं को करने का, कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, उनकी कथा कीर्तन इत्यादि इतना प्रभावशाली है कि जिसके जीवन में उसका थोड़ा सा संपर्क हो जाता है उनका जीवन सुखमय हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसी उद्देश्य से ही करते हैं। जो आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं उसी भागवत की कथा में ही वर्णन आता है, महान तेर स्वभाव ना महत विचलनम निर्णाम गृहनाम दीन चेतसाम, कि महत व्यक्ति जो है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिसका श्रेष्ठ व्यक्ति भक्त के साथ में संग हो गया, उसका स्वभाव कैसा बन जाता है, महत विचलनम निर्णाम गृहनाम दीन चेतसाम, वो अपने आश्रम से उठ करके दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, क्यों चल करके जाते हैं, क्यों कष्ट उठाते हैं, क्यों सुविधाओं को छोड़ करके भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने मंगल के उद्देश्य से कभी भी भगवान के धाम में भी नहीं जाते, साधुओं के पास में भी नहीं जाते, अपने मंगल की भी जो कभी कामना नहीं करते, उनके मंगल को करने के लिए महत्पुरुष जो हैं वो अपने आश्रम से उठ करके हमारे जैसे दीनहीन व्यक्तियों के, जो अपने मंगल की भी कामना नहीं करते, उनके घर पर चल करके आते हैं। इसलिए बोलते हैं महान तेर स्वभाव ही तारी ते पामर निज कार्य नाही तबु जान अन्य घर। महंत व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि उसका अपना कोई काम नहीं होने पर भी दूसरों के मंगल के लिए ही अपना सारा समय देते रहते हैं, इस प्रकार का शास्त्रों का वाणी है। इसलिए श्रील महाराज जी आपको जो कथा कीर्तन इत्यादि सुना रहे हैं वो वस्तु कैसी वाली है, अमूल्य वस्तु है,
इसका मूल्य कौन जान सकता है? सभी लोग क्या मूल्य जानते हैं इस वस्तु का? सभी लोग जान नहीं सकते। जिनका परम सौभाग्य होता है वो उस वस्तु को समझने की थोड़ी सी चेष्टा करता है। जैसे अभी हमने महाराज जी के मुख से यहाँ पर कीर्तन में क्या सुना कि मीरा क्या गाती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु करुणा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मेरे को तो राम नाम रूपी रतन की प्राप्ति हुई है। रत्न क्या होता है? हीरे मोती जवाहरात मणियां, जिसका बहुत अधिक मूल्य है, वो उसकी तुलना किसके साथ में कर रही हैं? राम नाम के साथ में, कि मेरे को तो राम नाम की पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मुझे राम रत्न रूप राम मुझे मिल गए, राम नाम मिल गया। किंतु क्या हम लोगों को अनुभव होता है कि महाराज जी ने हम लोगों को बहुत सारे रत्न प्रदान किए हैं? 7 दिन तक 7 रात तक जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी, उसी प्रकार से महाराज जी आप लोगों को आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कथा सुन सकते हैं उतनी देर तक वो राम नाम के हीरे मोती बिखराते रहते हैं। एक दूसरा कीर्तन भी है ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ये गली गली आवाज आकर के लगाते हैं कि मेरे पास में राम नाम के हीरे हैं, मोती हैं, आप लोग क्या करो जितना ले सकते हो उसमें से ले लो, हमारे पास अथाह हैं, मैं उनको कितना अपने लिए खर्च करूं, कितना उनको रखूं, बहुत हैं, इसलिए तुम लोग भी उसको जितना ले सकते हो ले लो। तो अभी ये जो मणियां हैं मोती हैं इसकी महिमा क्या है राम नाम की, किसी को समझ आती है? नहीं समझ आती। अगर 100 रुपए का नोट हो 1000 रुपए का नोट हो वो तो हमें समझ आता है, किंतु क्या हमारे को इसका मूल्य समझ आता है? इसका मूल्य हमें समझ आता नहीं। हम लोग कैसे वाले हैं, जैसे एक छोटा बच्चा, उसके सामने आप क्या करो, आजकल अभी जैसे 2000 रुपए का नोट आता है, एक हाथ में 2000 रुपए का नोट पकड़ लो और दूसरे हाथ में 10-10 रुपए के 20 नोट पकड़ लो, वो 10-10 वाले 20 नोट कितने रुपए के हुए? 200 रुपए के 20 नोट आपने पकड़े, और दूसरी तरफ आपके हाथ में है 2000 रुपए। बच्चे को बोलो कि या तो ये वाला मिलेगा या ये 20 नोट मिलेंगे, तो वो कौन से वाला लेगा? 20। बच्चा कौन सा लेगा जिसमें 20 नोट हैं 10-10 रुपए के? इसलिए क्योंकि उसको क्या समझ आता है कि इसकी संख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए मेरे को ये वाले नोट लेने हैं, वो दूसरे नोट कोई लेगा। इसी प्रकार से राम नाम की क्या महिमा है, भागवत की क्या महिमा है, महाराज जी ने आप लोगों को क्या दिया है, इस वस्तु को समझने के लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए। सब लोगों को ये बात समझ आती नहीं। मीराबाई जिसका ये कीर्तन है, उसने क्या किया था? उसने अपने घर को त्याग दिया। कौन थी वो? राज रानी। घर में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, सब कुछ ही उसके घर पर था, उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद इत्यादि सभी उससे बहुत स्नेह करते थे, किंतु तब भी उसने सबको त्याग दिया और क्या बन गई? भिखारन बन गई। घर को छोड़ दिया, खाने की चिंता नहीं की, और किसी भी चीज की उन्होंने चिंता नहीं की, खाली हाथ अपने घर से निकल पड़ी। पागल नहीं है? पागल है या नहीं है? नहीं है। कि उसके घर में इतने सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं, और घर में खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं, बहुत सुख है, सुविधाएं हैं, सब कुछ छोड़ करके वो किस तरफ चल पड़ी? ऐसे स्थान की ओर जहां पर उसको ये नहीं पता रहना कहां पर है, जहां उसको ये नहीं पता खाने के लिए क्या मिलेगा,
जो कपड़े मैं पहन करके जा रही हूँ अगर ये कपड़े फट जाएंगे तो दूसरे कपड़े मेरे पास कहाँ से आएंगे। किसी भी वस्तु की चिंता किए बिना वो चल पड़ी। ये पागल नहीं है, पागल व्यक्ति ऐसा काम करता है ना, बिना सोचे विचारे चल पड़ता है। अच्छा घर है वहां रहना नहीं, सड़क पे रहना है। खाने की वस्तुएं बहुत सारी हैं मगर खाना नहीं, भूखा मरना है। ये कौन करता है, पागल करता है ना बुद्धिमान, पागल करता है। तो अब मीरा भाई भी पागल है या नहीं? मीरा भाई पागल है? कोई कहेगा मीरा भाई पागल है? नहीं, किंतु हाँ एक तरफ से दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। पागल व्यक्ति की क्रियाएं और मीराबाई की क्रियाएं लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसी हैं। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सबसे पहले ये भक्तों का चरित्र है कि उनके पागलपन में और जगत के लोगों के पागलपन में कितना बड़ा अंतर है। ये पागल होकर के सब कुछ नहीं छोड़ रहे। एक चींटी भी उसको यहाँ जहां कहीं लाभ दिखाई देता है उस तरफ जाती है। एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसको अगर 5,000 रुपये महीने के मिलते हैं तो वो उस नौकरी को कब छोड़ना चाहता है, जब उसको 8,000 वाली मिल जाती है। 8,000 वाली नौकरी मिलेगी तो 5,000 वाली छोड़ने में कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती। किंतु 5,000 नौकरी करने वाले व्यक्ति को अगर कहो कि 3,000 रुपये वाली नौकरी कर लो तो वो करेगा? तब तो वो करेगा नहीं। कौन सी वाली करेगा? 8,000 वाली। नहीं तो 5,000 वाली में लगा रहेगा। तो मीरा बाई को अगर अधिक लाभ ना दिखाई दिया हो राजमहल से तो क्या वो अपने राजमहल को छोड़ती? नहीं। तो उसको अधिक लाभ दिखाई दिया इसीलिए वो उस तरफ चल पड़ी। आपने भागवत की कथा सुनी, प्रारंभ में ही किसका नाम आता है? नारद ऋषि का। नारद ऋषि ने क्या किया? नारद ऋषि छोटे से बालक अपनी घटना बता रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक था, कैसे ऋषि मेरे मुनि मेरे गांव में आए और उनका उनके साथ में 4 महीने तक थोड़ा बहुत रहना हुआ और मेरी इच्छा हुई उनके साथ में चला जाऊं। वो अपने साथ में लेकर के जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी माता थी, निर्धन है, घर घर में काम करती थी, तो इसलिए साधुओं ने कहा तुम्हें लेकर के जाएंगे नहीं। बाद में क्या हुआ, उनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया, उनको पता चला, ये सब आपने सुना है। उनकी माता जी का उन्होंने सुना कि माता जी को सांप ने डस लिया गाय का दूध दोहते हुए। तब फिर नारद जी ने क्या किया जब सुना? तो नारद जी ने क्या किया था जब उन्होंने सुना उनकी माँ जो है सांप के डसने से मर गई है, तब उन्होंने क्या किया था पता नहीं है? सुना है ना? उन्होंने क्या देखा कि जिस तरफ से पता चला कि मेरी माता जी ने इस तरफ शरीर छोड़ा है, वो दूसरी ओर चल पड़े साधुओं के निकट कि पहले साधु मुझे लेके क्यों नहीं गए थे, क्योंकि मेरी माँ थी, अब माँ ही चली गई तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अगर अभी हमारे में से किसी को पता चले हमारी माँ मर गई है तो हमारी क्या स्थिति होगी? साथ ही साथ में रोएंगे, हम क्या करेंगे? रोएंगे, रोने लगेंगे। जहाँ पर माँ है एकदम से वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पर एक मिनट में पहुँच जाऊँ, ऐसा प्रयास करेंगे। किंतु नारद जी ने क्या किया, उल्टा चलना प्रारंभ कर दिया। क्या ये पागल जैसे व्यक्ति वाला काम नहीं है? किंतु नहीं, इसी चीज को ठीक से जब कोई व्यक्ति समझ लेता है तब उसको पता चलता है कि इनका पागल जैसा बाहरी रूप में क्रिया दिखलाई देने पर भी एक पागल में और इन में कैसे जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप एक गोला बनाओ, सर्कल, अगर एक सर्कल बनाए तो सर्कल जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर ही वो समाप्त भी होता है। यही होता है ना, जब आप क्या बोलते हैं कंपास को, क्या बोलते हैं, प्रकार, 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 प्रकार को लेकर के जब एक व्यक्ति पेंसिल से वृत्त बनाता है तब क्या होता है कि जहां से वृत्त को बनाना शुरू करेगा वहीं पर ही आकर के वो समाप्त भी होता है। तो इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं कि जीनियस इज नेक्स्ट टू फुलिश।
जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी क्रियाएं और मूर्ख व्यक्ति की क्रियाएं लगभग एक जैसी दिखलाई पड़ती हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखलाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास में है। इसीलिए साधारण जगत के लोगों की क्रियाएं और बहुत अधिक जो बुद्धिमान, जैसे कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसे वाले होते हैं, कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसे हैं जो कि अपना जब पूरी तरह से किसी एक विषय में लग जाते हैं तब उनका क्या होता है, पूरी तरह से ऐसा उसमें आविष्टता हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा ही दिखाई देता है जैसे पागल जैसे हैं। इसी प्रकार से भागवत में जो भक्तों की कथाएं बतलाई, भगवान में इतना आविष्ट हो जाते हैं कि उनका दिखलाई देता है कि जैसे पागलपन वाली उनकी क्रियाएं हों। अभी समय बहुत अधिक हो गया है, आज हम कथा को यहीं पर ही विश्राम देते हैं। आगे आप फिर कभी सुयोग होगा तो और हम लोग कथाएं श्रवण करेंगे। बोलो श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय। नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज की जय। माधव प्रिय प्रभु की जय। कृष्ण रुक्मिणी के ले आओ, काहे कृष्ण रुक्मिणी ले आओ, कृष्ण रुक्मिणी। हाँ देखो अभी और तो 5 मिनट रुक जा, और आज भी होली खेलना भी है, कुछ रंग लाए कि नहीं, कुछ ना फूल लाए हो, ले आओ कृष्ण रुक्मिणी के ले आओ। बोले श्री रुक्मणी रामायण भगवान की। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा थे जिनके 5 बेटे और छोटी बेटी रुक्मिणी, ये सख्यात माँ लक्ष्मी थी। नारद जी बचपन में इनकी कृष्ण कथा सुनाते सुनाते उसकी रोम रोम में ही कृष्ण बैठ गए। उसने प्रतिज्ञा की अगर शादी करूंगी तो श्री द्वारकाधीश को ही मैं शादी करूंगी और किसी को मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन भैया आने वाले नहीं, हम तो शिशुपाल प्रसाद को शादी कराएंगे। इतने में उसने ब्राह्मण को बुला करके अपना एक प्रेम पत्र कृष्ण के पास में दिए और भगवान कृष्ण आए और वहां से रुक्मिणी को लेकर ठाकुर जी द्वारका गए। और द्वारका में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई। रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। भैया ले आओ, कहाँ प्रभु जी जाओ, किधर है भगवान की जय। जय जय श्री राम कैसे पर को जोन में आर क्योंकि दर्श का भर हो गया है, बैठे बैठे आराम से दर्शन कर सकते हैं। खड़े होने से किसी को दर्शन नहीं हुआ, तो आइए। अरे आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेरी बात चला
Thank you.